तो चलिए स्टार्ट करें। इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट क्या क्या है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट थ्योरी लेके चलूंगा। फर्स्ट आपका आता है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सर, लिमिटेशन क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? सुनिएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लिमिटेशन क्या है कि सबसे पहले और सबसे मेन, मैं यहाँ पे काम करता हूँ हाईलाइटर, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लिमिटेशन ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम सारी बातों को रिकॉर्ड करते हैं, हम कॉस्ट को जो है डिफरेंट नहीं करते। ऐसा जैसे कॉस्ट शीट अपन ने किया होगा तो कॉस्ट शीट में हर एक एलिमेंट को डिफाइन किया, प्राइम कॉस्ट, वेजेस इसमें जाएगा। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में खर्चा है तो खर्चे को पीएनएल के डेबिट में डाल देते हैं, उसे क्लासिफाई नहीं करते कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है या फिर किससे रिलेटेड है, सिंपली डाल देते हैं। तो लिमिटेशन में देखिएगा क्या लिखा हुआ है सर। लिमिटेशन में लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट गिव क्लासिफिकेशन कॉस्ट फिगर और डिफरेंट। मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ। कहता है कि जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है डज नॉट इफेक्ट द क्लासिफिकेशन कॉस्ट फिगर और डिफरेंट डिपार्टमेंट। मतलब इसमें डिपार्टमेंट नहीं है ना। आपको अगर सैलरी दिया है तो 2 लाख रुपए का सैलरी दे दिया, अब भाई मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का है कि सर्विस डिपार्टमेंट का, ये नहीं बताता। आगे क्या कहता है सर, कहता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग नॉट प्रोवाइड एडुकेट। एडुकेट का मतलब क्या होगा? प्रॉपर कॉस्ट फिगर, मतलब वेरिएबल कॉस्ट और इस तरीके का, जो फिक्स कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल, ये नहीं बताता। ये सिंपल बताता है ये खर्चा हो गया। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही सारी चीजें हैं। इट डज डिस्क्लोज एनी रीजन फॉर एनी आपका वेरिएशन। कहता है कि ये कोई भी वेरिएशन होता है तो उसका भी यहाँ पे, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, कहीं आपने अभी तक पीएनएल किया होगा, पीएनएल में कहीं पता चला कि इतना वेरिएशन हुआ, पहले वेजेस अब था, अब वेजेस ये है, तो नहीं, नहीं पता चल पाता हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो वही बातें बताई गई। इट डज नॉट प्रोवाइड, आगे क्या कहता है, इट डज नॉट प्रोवाइड कॉस्ट ऑफ मटीरियल। मतलब मटीरियल का क्या कॉस्ट है उससे मतलब नहीं है, वो डायरेक्ट लिख देगा आपका पूरा। तो सिंपली मैं अगर सिंपल वर्ड में देखो, आप पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, क्विकली रिवाइज करने के लिए थ्योरी आए। तो सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिटेल सारे चीजों को नहीं बताता, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग हर एक चीजों को डिटेल बताता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ ऐसे खर्चे भी हैं जो कि दिखाए जाते हैं, जो कॉस्ट में नहीं दिखाते। तो एक डिसएडवांटेज है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, इसलिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग को सेपरेट करते हैं। बस आपने इतना लिखना है। देखिए 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट में से 8 पॉइंट आराम से याद हो सकते हैं आपको, और मैं सारे पॉइंट्स को नहीं पढ़ रहा क्योंकि आप भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। मेन मेन क्रक्स बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या है। 10वें पॉइंट में देख लेते हैं, जैसे कि एक्सपेंस आर नॉट क्लासिफाइड इन टू द डायरेक्ट इनडायरेक्ट आइटम, नहीं करते हम, तो वो सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो होपफुली आपको ये समझ में आएगा। एक बार फिर से फटाफट मेरे साथ सुनिए और मेरे साथ बोलिए कि जो लिमिटेशन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, ये कॉस्ट को क्या करता है, कॉस्ट को अच्छे से क्लासिफाई नहीं करता है, और ये ना ही हमारे सारे डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस को अच्छे से दिखाता है, वेरिएबल ओवरहेड को नहीं दिखाता अच्छे से। तो यही सारी चीजें क्या है, लिमिटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं कहूंगा आपको, मैं 2 बार हाईलाइट कर देता हूँ इसको, 2-3 बार आप इसे जरूर करके जाएं। सर रेगुलर के पेपर में क्या आया था? अभी पहले हम एक बार थ्योरी करें, फटाफट रेगुलर के पेपर की भी थ्योरी सारी देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है जी 3, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेम है, जो इम्पोर्टेंट है वही। आपके मैंने नोट्स अपलोड कर दिया है टेलीग्राम पे भी, और साथ के साथ मैंने अपलोड कर दिया है एप्लीकेशन वाले बच्चों के लिए भी पीडीएफ फॉर्मेट में। अब अगला क्वेश्चन आ जाते हैं सर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज अननेसेसरी। बोला गया कि यार कॉस्ट अकाउंटिंग करते हो ना तो तुम ये ना जो जरा है फालतू की बातें, ये क्यों फालतू में पैसा खर्च करते हो, नए अकाउंटेंट बुलाओगे, कॉस्ट शीट बनाएगा, पीएनएल से भी तो प्रॉफिट आ रहा है। तो ये बोला गया, और बोला गया ये एक्सपेंसिव है ये भी बताइए, और ये लग्जरी है ये भी बताइए, एंड हैंस नॉट नीडेड, और इसकी जरूरत नहीं पड़ती ये भी बताइए। आप क्या ऐसा सही है, कमेंट करिए। तो पहली बात, हाँ जी, कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि अननेसेसरी है, बेकार है, लेकिन ये गलत है। कॉस्ट अकाउंटिंग जरूरत पड़ती है बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आपको हर चीज की, क्योंकि पता है क्या, इतना कंपटीशन बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ने से अगर आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट थोड़ी भी ज्यादा होगी ना तो कस्टमर डिनाई कर देता है।
आप सिंपल सा एग्जांपल देखो, आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जाते हो, अगर एक सामान आपको 1000 का बिक रहा है, एक 999 का बिक रहा है, तो पता है आप कौन सा खरीदोगे? 999 वाला खरीदोगे फटाफट फटाफट। 1 रुपए के पीछे कस्टमर ना दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। तो क्या लिखता है, सम पीपल फील कॉस्ट अकाउंटिंग इज, क्या कहता है कि सम पीपल फील कॉस्ट अकाउंटिंग इज अननेसेसरी, कुछ लोगों को लगता है, बिकॉज डुप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग। वो कहते हैं कि भाई दो दो बार कर रहे हो, फाइनेंस भी कर रहे हो, इसको भी कर रहे हो, क्यों अपने माथा पच्ची करते हो इतना। इट इज आर्ग्यूड दैट फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड डिटेल ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, और बोलता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिटेल इंफॉर्मेशन बढ़ता है, देयर इज नो नीड टू मेंटेन कॉस्ट अकाउंटिंग। वो बोलता है कॉस्ट अकाउंटिंग बनाने की जरूरत नहीं है, फालतू की बातें। कुछ लोग ऐसे हैं, बट सच अ आर्ग्यूमेंट आउट ऑफ इग्नोरेंस अबाउट द यूटिलिटी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये आर्ग्यूमेंट कुछ भी नहीं है, ये अकाउंट कॉस्ट अकाउंट को बस छोड़ना चाहते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज मीट लीगल नेसेसरी प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, ये लीगली बनाना पड़ता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप बनाओ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इनकम टैक्स के लिए बनाना पड़ेगा आपको, ऑडिट के लिए करवाना पड़ता है, ये सारी चीजें बातें बताई गई है। आगे कंक्लूजन में चलते हैं सर। कॉस्ट अकाउंटिंग अननेसेसरी टू प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्म, कॉस्ट अकाउंटिंग इज नेसेसरी टू प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन, भी नेसेसरी है डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए, और सर यूनिट कॉस्ट ऑब्जेक्टिव के लिए भी है। मैनेजमेंट सो दैट बिजनेस कैन बी रन एफिशिएंटली, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए आपका बिजनेस रन करेगा। तो सारी मिला के बातें आपको वही लिखना है। क्या कॉस्ट अकाउंटिंग एक एक्सपेंसिव है? तो जी हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग एक्सपेंसिव है, इसमें एक्सपेंसिव क्योंकि छोटे लोग नहीं रख पाते, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे सीएमए का कोर्स सुना होगा आपने, ICWA, वो लोग करते हैं तो वो महीने का 50-60 हज़ार रुपये सैलरी लेते हैं। तो आप मान लो एक परचून की दुकान वाला कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ से रखेगा, बहुत एक्सपेंसिव सैलरी होती है इनकी, तो छोटे ऑर्गेनाइजेशन नॉट। तो कहता है कि इट्स मेंटेन कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्विट एक्सपेंसिव, थोड़ा एक्सपेंसिव तो है बिकॉज ऑफ हाई सैलरी देना पड़ता है हमें, ठीक है। एक्सपर्ट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टाफ को देना रखना पड़ता है हमें, इट नॉट बी पोजिशन टू अफोर्ड, जिसके पास अफोर्ड नहीं कर सकते उसके लिए दिक्कत वाली बात है। तो हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये एक्सपेंसिव है। अगला कहता है कॉस्ट अकाउंटिंग इज लग्जरी, गलत बात ये, कॉस्ट अकाउंटिंग लग्जरी थोड़ी है, सोबाजी थोड़ी कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग करके, हम कॉम्पिटिशन से लड़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग करवा के, हम अपने प्रोडक्ट को कम कर रहे हैं। तो कहता है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी नॉट ट्रीटेड एज लग्जरी, इसे लग्जरी नहीं माना जा सकता। इट्स मेंटेन एडिशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग वुड बी देयर फॉर द कंप्लीशन। तो सिंपल सी बात है, ये अलग से बनाया जाता है जो बिजनेस के लिए जरूरी है, इसे लग्जरी ना कहें तो बेहतर है। चलिए देख लेते हैं रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही। हाँ जी बिल्कुल रिकॉर्डिंग चल रही है, कहीं ऐसा ना होना कि मैं इतनी मेहनत करूँ रिकॉर्ड ना हो। अब कहते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है मैं सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इसमें से आने की संभावना है क्वेश्चन। What do you mean by the cost center or cost unit? Cost center और cost unit क्या होता है? जैसे cost center क्या होता है? पूरे organization की costing निकालती है, पूरे organization का, पूरे organization का। जैसे suppose करिए आपका एक organization है, जैसे कि मैं बात करता हूँ ये पूरी एक factory है ना, इस पूरे factory का अगर मैं cost निकालता हूँ तो ये cost center है, और इस फैक्ट्री में से एक यूनिट मैंने बनाया, एक यूनिट का अगर मैं कॉस्ट निकालूंगा तो यूनिट का अगर मैं कॉस्ट निकालता हूं तो यूनिट का कॉस्ट, भाई ये मेरे पास तो माउस से ही कर रहा हूँ, साफ साफ लिख नहीं रहा तो बस समझ जाइए आप, ठीक है ना, क्योंकि इतना हाईली इक्विपमेंट तो है नहीं कि जो मैं आपको अच्छे से एकदम से कर पाऊँ, लैपटॉप पे इतना ज्यादा एडवांस नहीं है ये, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आप समझ जाइएगा बस, ठीक है। तो कॉस्ट सेंटर क्या कहता है? पूरे पूरे फैक्ट्री का और यूनिट एक का, तो वही कहता है। देखिए क्या कहते हैं, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट आर टू वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स इन द कनेक्शन विद द कॉस्टिंग। कॉस्टिंग मतलब जब कभी भी आप कॉस्टिंग करोगे तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कॉस्ट सेंटर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इटसेल्फ डिफाइंड एज द, कुछ कहते हैं देखिए ICMA, आपका जो आपका CMA भी है, CIMA भी जिसे बोलते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट, उनका है अलोकेशन, देखो जैसे कि फैक्ट्री है, पर्सन जो वहां काम कर रहे हैं, आइटम इक्विपमेंट, ग्रुप्स ऑफ दीज, सभी को विच कॉस्ट मे बी असर्टेन एंड यूज फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, इन सभी का कॉस्टिंग निकाला जाता है। ये देखिए ये मैंने बताया था ना, इन सभी का कॉस्टिंग निकाला जाता है, क्यों निकाला जाता है, ताकि हम अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर पाए कि कहाँ पे ज्यादा खर्चा लग रहा है। कॉस्ट यूनिट क्या है जनाब? कॉस्ट यूनिट है कि अ यूनिट क्वांटिटी प्रोड्यूस सर्विस टाइम
और इन रिलेशन टू विच कॉस्ट मे बी अ सर्टेन एक्सपेंस, कॉस्ट यूनिट एक यूनिट पे कितना खर्चा आया है वो बताना है। आगे क्या कहता है, कॉस्ट यूनिट को असर्टेन द की एक्टिविटी ऑफ कॉस्ट सो बिकॉज ऑफ नेसेसरी। तो सिंपल सी बात है, देखो इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट यूनिट का मतलब है कि कॉस्ट यूनिट वो होता है जिसके अंदर के हम एक यूनिट की कॉस्ट निकालते हैं। इसके अंदर एक क्वेश्चन ये हाईली इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आ जाता है कोई मेजरमेंट का, हालांकि मैंने नोट्स में भी दिया हुआ है और इसके अंदर ये मेजरमेंट आप पढ़िएगा जरूर, कई बार 4-3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सर क्या पूछ लेते हैं, जैसे रेडियो टीवी को किसमें नापोगे, कार को किसमें नापोगे, ब्रिक्स कैसे होता है पर थाउजेंड, 1000 की ईंटें आएगी, आप बोलोगे ना 4 ईंटें दे दो तो नहीं मिलता, हालांकि आपके आसपास मिल जाता होगा लेकिन 1000 में काउंटिंग होता है। हॉस्पिटल में क्या कर क्या कैसे काउंटिंग हो पर बेड पेशेंट्स के हिसाब से, ट्रांसपोर्टेशन में पर टन किलोमीटर किया था ना अपन ने सर्विस कॉस्ट उसमें। अब इसके बाद क्या है आपका अलग अलग है, आपका सीमेंट है पर बैग के हिसाब से, तो ये एक बार आप ना पढ़ लीजिएगा इन चीजों को कैसे, जैसे कि आपका मान लेते हैं कि सपोज मिल्क दूध किसमें करते हो लीटर में होता है, और ऑयल की बात करें तो ऑयल किसमें होता है बैरलर में होता है, कुछ चीजें लीटर में होता है कुछ चीजें आपका बैरल में भी होता है, ठीक है ना। तो वो चीजें आप एक बार पढ़ लीजिएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलिए एक बार फटाफट से हमने 3 क्वेश्चन देख लिया, तीनों क्वेश्चन को रिवाइज किया जाए। पहला क्या है, लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो क्या है कि कॉस्ट अकाउंटिंग हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है कि ये हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं देता, और डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं देता जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी चीजों को हम अच्छे से समझ नहीं पाते, जैसे कि डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर, जैसे कि आपका वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट, ये सारी बातें फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बताता, ये लिमिटेशन। दूसरा क्या कॉस्ट अकाउंटिंग लग्जरी है, तो जी नहीं लग्जरी नहीं है, नेसेसरी है, करना चाहिए, तो हमने एक वो देखा। अगला क्वेश्चन था हमारा कॉस्ट यूनिट कॉस्ट सेंटर, तो पूरे डिपार्टमेंट के कॉस्ट को कॉस्ट यूनिट कॉस्ट आपका जो पूरे डिपार्टमेंट का है उसको हम क्या कहते हैं, पूरे डिपार्टमेंट का कॉस्ट सेंटर कहते हैं, और कॉस्ट यूनिट का मतलब पूरे एक यूनिट का कॉस्टिंग इस तरीके से निकाला। तो ठीक है जी सर, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अब आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। बाकी आप धीरे धीरे पढ़ लीजिए अपने हिसाब से, तो मैं जैसे जैसे होगा मैं चैप्टर वाइज फटाफट से डाल दूंगा अलग अलग पार्ट में। चलिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है जी, कौन सा क्वेश्चन है, ये था हमारा क्वेश्चन कहाँ गया कहाँ गया, ओ माय गॉड, कहता है कॉस्ट मे बी क्लासिफाइड इन टू द वराइटी ऑफ वे अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, क्लासीफाई करिए एक्सप्लेन द डिस्कस स्टेटमेंट गिवन। तो कुछ क्लासिफिकेशन करिए कॉस्ट कितने तरीके के होते हैं, इसमें मेन मेन चीजें पढ़ूंगा, जैसे इनडायरेक्ट कॉस्ट, पहले सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट कौन से कॉस्ट होते हैं सर, डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जिसको देख के पता लगाया जाए। अब सिंपल सा एक एग्जाम्पल लूंगा, देखो डायरेक्ट भी पता चल जाएगा इनडायरेक्ट। आप सर आप सब मैकडी में जाते हो बर्गर खाते हैं, जो बर्गर खाते हो आप मैकडी के अंदर, इसके अंदर मान लो आपको 300 रुपए का बर्गर दिया, भाई आप सब तो चले गए और खा भी लिया आपने और अच्छे से आपने एंजॉय भी किया, लेकिन आप में से सभी दोस्त बैठ के वहां पे कई बार ऐसी चर्चा होती है, हम सब बैठते हैं तब भी होती है कि यार ये 300 रुपए का लायक नहीं है, इसके अंदर ना देखा जाए तो सामान बड़ा कम लगा हुआ है, यार कितने का बंद 10 रुपए का होगा, आलू कितने का होगा 5 रुपए का होगा, हद मार के 50 रुपए का होगा। तो आप जो कॉस्टिंग करते हैं वो कॉस्टिंग, आप सिर्फ जो चीज खा रहे हैं उसको देख रहे हैं तो वो कॉस्टिंग है डायरेक्ट कॉस्टिंग। लेकिन व्हाट अबाउट जो आपको सैलरी जो आपको सर्व कर रहा है, व्हाट अबाउट जहां एसी में बैठे हो, व्हाट अबाउट जो गार्ड है, इन सभी को तो नहीं देख रहे ना। तो डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं देखते ही, और सेम इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल वेजेस, आपका कारपेंटर कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड एग्जाम्पल है, इनडायरेक्ट जिसको नहीं कर सकते, दीज आर जस्ट अपोजिट ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट, इट मीन द स्कॉट कैन नॉट बी इजिली आइडेंटिफाइड, तो सिंपल सी बात है। तो समझ में आया होगा आपको डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में बर्गर जो है उसको आपने डायरेक्ट कॉस्ट में करा, और जो बाहर गार्ड खड़ा था गार्ड की सैलरी तो आपने जोड़ी नहीं, वो किस कॉस्ट का पार्ट हो गया, इनडायरेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू एलिमेंट, जनरली कॉस्ट एलिमेंट कितने में होता है, मटेरियल लेबर और एक्सपेंस। एक्सपेंस को हम ओवरहेड के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं सर, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर ये हमने पढ़ लिया है और इसको आप पढ़ेंगे, और हम जिस जिस पे मैं पॉइंट्स लगाता जा रहा हूँ वो। अब आ जाते हैं सर वेरिएबल कॉस्ट। देखिए वेरिएबल कॉस्ट कौन सा होता है, वो कॉस्ट जो कि जैसे जैसे आप यूनिट बढ़ाएंगे ना
जैसे एक सपोज करो एग्जांपल लो, एग्जांपल जैसे मैंने लिया, आपका एक यूनिट बनाने में 5 रुपए का खर्चा आ रहा था, एक यूनिट बनाने में 5 रुपए का खर्चा है, ये यूनिट है और ये खर्चा है, एक्सपेंस है। तो बताइए 5 यूनिट बनाएंगे तो कितने का खर्चा आएगा? तो बहुत सिंपल सी सर बात है, 5 यूनिट बनाएंगे तो 5 रुपए के हिसाब से हमारा खर्चा जो आएगा वो आएगा कितने रुपए, मल्टीप्लाई कर देते हैं वो आ जाएगा हमारा 25 रुपीज। तो देखो भाई जल्दी जल्दी तो कर नहीं सकता मैं, क्या करें, तो 25 रुपीज, ठीक है ना, 25 रुपए का खर्चा आएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जितने यूनिट बनाओगे उतना खर्चा होगा। अब इसके बाद जैसे एग्जाम्पल वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या हो सकता है, डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, जितना मटेरियल यूज करोगे उतना ही खर्चा होगा जी, है ना, जैसे कि जो भी मटेरियल यूज करोगे। डायरेक्ट लेबर हो सकता है, लेबर तो सर फिक्स होता है इसमें, ऐसे कैसे लिख दिया इन्होंने, अरे कई लोग ना पीस वाले भी होते हैं, 10 पीस बनाओगे तो 10 पीस के लगेंगे एक पीस के हिसाब से, ठीक है। पावर होता है, बिजली का बिल जितना यूज करोगे उतना, तो ये है हमारा, ये इसका ग्राफ बना रखा है। आप ग्राफ प्लीज आप एक बार देख लीजिएगा, ड्रॉ करिएगा, क्योंकि जैसे जैसे देखिए इस साइड में क्या है कॉस्ट और इस साइड में क्या है यूनिट, जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगा वैसे 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 कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे जी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड पीरियड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं आगे चलते हैं आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं एक, ये इसके अंदर दो पार्ट आगे चलो, कंट्रोलेबल कॉस्ट अनकंट्रोलेबल कॉस्ट इसकी बात करेंगे, ठीक है। अब हम आगे डिफरेंस पढ़ेंगे ना तब देख लेंगे इसके अंदर, अभी पढ़ना है ये बाद में, चलो अभी पढ़ लेते हैं, आगे फिर हम इसको बोल देंगे हमने कर लिया। कंट्रोलेबल कॉस्ट, कंट्रोलेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जिसको के मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकता है, उसके बस की बात है, उसे कंट्रोलेबल कॉस्ट कहते हैं। कंट्रोलेबल कॉस्ट देखो जैसे कि कहता है कि अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी सम कॉस्ट कंट्रोलेबल वेयर आज अदर नोन, मतलब कि कुछ ऐसे हैं जो कि आपके मतलब के कहते हैं ना आपके पावर में नहीं, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मटेरियल, मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हो ना, ज्यादा खर्च करना है कम खर्च करना है, लेकिन रेंट, रेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। देखो एक फैक्ट्री ले रखी है, उसकी रेंट जाना है, आप उसको थोड़ी ना कम कर दोगे। तो ऐसा खर्चा जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो उसे कंट्रोलेबल कॉस्ट कहा जाता है, ऐसा खर्चा जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसे अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कहा जाता है। यानी यहाँ पे जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो ना उसके लिए वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्शन, यानी जिसको आप एक्शन लेके यानी अपने कुछ स्टेप्स लेके आप उसको सही कर सकते हो। जैसे क्या कहता है, आर दीज विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाई एक्शन ऑफ द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ अंडरटेकिंग, मतलब कुछ जो भी हम अंडरटेकिंग का मतलब क्या हुआ सर यहाँ पे, अंडरटेकिंग मतलब जो आप वर्क कर रहे हो काम कर रहे हो, दैट इज से कॉस्ट विच आर लेट आपका या तो लीस्ट या पार्टली विच कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि मैनेजमेंट के हाथ में होता है, एन ऑर्गेनाइजेशन विच डिवाइडेड इंटू द नंबर ऑफ किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई उससे पूछेंगे तूने ऐसी गलती क्यों करी और उसे हम कंट्रोल करवाएंगे। चलिए सर अनकंट्रोलेबल क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, विच कैन नॉट बी बाय इन्फ्लुएंस, जो कि इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता किसके, बाय एक्शन यानी आपसे नहीं हो सकता। सर कुछ एग्जाम्पल देखिएगा समझ में आ जाएगा, जैसे रेंट, रेंट आपका फैक्ट्री काम कर रहा है नहीं कर रहा, रेंट को नहीं कंट्रोल कर सकते, रेंट फिक्स है भाई। तो ज्यादातर जो फिक्स एक्सपेंस होते हैं ना, मोस्ट ऑफ फिक्स एक्सपेंस जितने भी है वो अनकंट्रोलेबल होते हैं। तो इसको आप बना बना के भी लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में, एक बार पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा, और जो बच्चा हिंदी में देना चाहता है वो भी दे सकता है। चलिए सर ये भी समझ में आ गया, ठीक है ना। अब पढ़, मेरा मेन मोटिव है कि आपको जो थ्योरी है ना वो आपको जब बताया जाए तो वो थ्योरी आपके ना दिमाग में आ जाए, ठीक है। फटाफट से एक बार ऊपर से रिवाइज करते हुए आते हैं जल्दी जल्दी, मेरी कोशिश है कि पूरा का पूरा आपको याद हो जाए, टाइम कम लेंगे, आ जाओ भाई बड़ी दूर चले गए हम तो। चलिए पहली बात सर लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन के अंदर फिर से अगेन मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंस अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग की लिमिटेशन सबसे बड़ी यही है कि वो चीजों को अच्छे से क्लासिफाई नहीं करता, डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर या वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इसको अच्छे से नहीं करता, वो सीधा लिख देता है, तो सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है। सर ये 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर कुछ लॉसेस भी दिखा देते हैं जो दिखाने वाले नहीं है फाइनेंस के अंदर, जैसे एबनॉर्मल लॉस वगैरह एंड एक्सेट्रा, ठीक है सर। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट क्या, ये आपका क्या कॉस्ट अकाउंटिंग अननेसेसरी है, तो कुछ लोगों का मानना है कि अननेसेसरी है, वैसे अननेसेसरी नहीं कह सकते, एक्सपेंसिव है जी हाँ एक्सपेंसिव है, लग्जरी है नहीं, लग्जरी नहीं है, इसको हमें करवाना पड़ता है ताकि हमारी कॉस्टिंग अच्छी रहे। कॉस्ट
कॉस्ट सेंटर क्या होता है सर? पूरे डिपार्टमेंट का कॉस्ट सेंटर होता है। कॉस्ट यूनिट क्या होता है सर? कॉस्ट यूनिट होता है एक यूनिट का, इसको मेजरमेंट करने का तरीका। इसके बाद आगे चलते जाएंगे, इसके बाद हमने क्या देखा था, डायरेक्ट कॉस्ट कौन से होते हैं, बर्गर का एग्जाम्पल लिया जो डायरेक्टली देख के आप बता सकते हो। इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन से होते हैं जिसको आप देख के नहीं बता सकते, क्विकली हम समझते जा रहे हैं। इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट जो कि यूनिट बढ़ने के साथ साथ चेंज हो जाता है, फिक्स कॉस्ट वो जो कि चेंज नहीं होता। ठीक है सर, ठीक है। कंट्रोलेबल कॉस्ट जिसे कंट्रोल किया जा सकता है बाय मैनेजमेंट, अनकंट्रोलेबल नॉन कंट्रोलेबल जिसे मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जैसे कि फिक्स एक्सपेंस। चलिए सर यहां तक हो गया, अब इसके अंदर फॉर द कुछ आपके मीनिंग है उसको देखते हैं। पहला संक कॉस्ट, नाम बड़ा अजीब सा है संक कॉस्ट। अब संक कॉस्ट ऐसा मान सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए, संक कॉस्ट का एग्जांपल दूं कि जब कभी आप बिजनेस के पैसे लगाएंगे तो वो समझ लो आपके पैसे वापसी नहीं आएंगे, एक तरीके से डूब गए, तो ये ना सिंक संक संक वहां से बना है डूबना। जैसे मान लेते हैं हमने दीवार पे, हम नई नई शोरूम खोल रहे हैं, नए नए शोरूम खोल रहे हैं और हमने रेंट पे लिया है, तो हमने क्या करा, दीवार पे पेंट करवाया, उस पेंट के अंदर हमारा खर्चा हुआ है हुआ है नहीं हुआ? तो सर बोलोगे हाँ पेंट में सर खर्चा हुआ। अब बिजनेस चलानी, चलो भाई बिजनेस बंद करो चलो, तो बाकी जो दुकान का सामान है वो आप बेच पाओगे, जैसे कि आपने काउंटर बेच दिया या फिर और भी बहुत सारी चीजें, स्टॉक रॉ मटेरियल किसी को बेच दिया, लेकिन पेंट कैसे बेचोगे? वो तो पेंट तो दीवार पे हो गया, उसमें खर्चा तो लगा। और अगर मान लो आप दुकान बंद भी नहीं करते तो क्या पेंट वाला को आप बेच सकते हो क्या उस खर्चे को? तो नहीं, तो वो पैसे आपके फिक्स हो गए, डूब गए। तो ऐसा खर्चा जिसे हम एक बार लगाते हैं और उसको हम कभी रिकवर ही नहीं कर पाते, उसको बोलते हैं संक कॉस्ट। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि पेंट करवाया तो वो पेंट में हमारा खर्चा हुआ, सो हो ही गया। कहता है दीज कॉस्ट विच इनकर्ड, क्या कहता है देखिए ध्यान से, दीज कॉस्ट विच इनकर्ड इन पास्ट, पुराने टाइम में करा जाता था, देयरफॉर संक कॉस्ट कैन नॉट बी रिकवर्ड, उसे रिकवर नहीं किया जाता। दीज आर नॉट रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग भी नहीं। संक कॉस्ट हो गया तो ऐसा नहीं बोलोगे कि सर ये खर्चा हो गया, इससे भी कुछ होगा। बिजनेस परचेज, लैंड, बिल्डिंग, ये सब संक कॉस्ट का पार्ट है। जैसे कि बिजनेस परचेज, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा आपने, मान लेते हैं तो आप मन में तो बोलते हो, जहां घर में रहते हो 1 करोड़ का मकान ले लिया, बोलते तो ना कि 1 करोड़ का मकान है, क्या उसे बेच दोगे? आप रोड पे तो थोड़ी ना आ जाओगे। तो जो मकान उकान लेते हैं ना, वो संक कॉस्ट का पार्ट होता है, वो कभी वापसी नहीं मिलता। हाँ मजबूरी में बेच दोगे उसकी अलग बात है। कहता है द कॉस्ट इज संक कॉस्ट, संक कॉस्ट है बिकॉज ऑफ विच इनकर्ड एट द पास्ट एंड इट विल नॉट बी कंसिडर Whenever decision is to be taken, इसका decision पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता new land वगैरह लेने पे। ठीक है सर, sunk cost important है। आगे चलते हैं सर, और कुछ important है क्या? और कुछ opportunity cost। opportunity cost क्या होता है? Simple economics में आपने पढ़ा होगा, opportunity cost वो cost होता है जिसके कि एक cost के बदले दूसरा हमारा कोई ना कोई opportunity होता है। जैसे सर समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा कुछ, समझो opportunity cost जैसे कि मान लेते हैं कि आपको, जैसे अभी मैं फॉर एग्जाम्पल आपसे बात करूं तो DU के अंदर जितने भी बच्चे हैं वो क्लासेस ले नहीं रहे थे, तो मुझे लगा मेरे को YouTube पे चैनल बनाना चाहिए। YouTube पे चैनल बनाएंगे तो उससे क्या होगा, बच्चे देखेंगे। वो अलग बात है कि डेली के 60-70 हज़ार बच्चे देखते हैं मेरे चैनल पे, लेकिन हाँ सब्सक्राइब नहीं करते, कोई बात नहीं, अपने अपने मैटर है उसका बात नहीं करते। देखो मेरा तो काम है एक बच्चा पढ़ ले तो वही बहुत है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या, मुझे अभी अपॉर्चुनिटी लगा तो इसे बोला जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पढ़ते हैं एक बार, दिस इज कॉस्ट एंड ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव है। पहले मैं 12th को पढ़ाता था, मुझे अपॉर्चुनिटी ग्रेजुएशन में लगा तो मैं ग्रेजुएशन में आ गया। दिस मीन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एडवांटेज, ये एडवांटेज है फॉरगॉन टू द रिजल्ट ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स। जैसे कि अगर मान लेते हैं एक फॉर रियलिटी एग्जाम्पल लेता हूँ, तो अरविंद मिल को जानते हो, अरविंद मिल है ना रिलायंस की एक यूनिट है। तो अरविंद मिल का हुआ क्या, ऐसे इनका कपड़े का व्यापार है बंद हो गया, तो बिल्कुल एकदम बंद हो गया, एकदम लॉकडाउन लगा, मास्क की डिमांड बढ़ गई। जब मास्क की डिमांड बढ़ी तो कपड़े की डिमांड बढ़ गई, कपड़े की डिमांड बढ़ी तो अरविंद मिल का चल पड़ा। जो कंपनी बंद होने वाला था लॉस में, उसने क्या करा, फटाफट से अपना मास्क बनाना चालू कर दिया। तो ये क्या दिखा उसे, अपॉर्चुनिटी। तो इसे बोला गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आई बात आपको, बाकी आप पढ़िएगा यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं देखो मेन मेन कर्क्स बताता जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या कहता है, फिक्स कॉस्ट डिपॉजिट बैंक कन्वर्ट इन टू द डिबेंचर। जैसे कि मान लो आपने FD करवाया, FD पे 10% मिल रहा है, डिबेंचर में आपको 15 मिल रहा है, तो आपने अपॉर्चुनिटी देखा और वहां पे आपने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना सर। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं है फिर भी आपको पता होना चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट को ही क्या कहा जाता है, मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। मार्जिनल कॉस्ट इज एडिशनल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग एडिशनल कॉस्ट, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा इसे, वेरिएबल कॉस्ट को ही मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। चलिए 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 आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सभी आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, आपके वेरियस मेथड्स इसके अंदर है, तो मेथड्स में सबसे पहला आता है जॉब कॉस्टिंग। तो समझिएगा जॉब कॉस्टिंग क्या होता है।
अब ध्यान से समझिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। मैं अपनी एक कहानी बताता हूँ। मैं जब मैं सीए इंटरमीडिएट में था, तो फिर उस टाइम पे आर्टिकल होती है, ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग पे मैं जाया करता था। तो हरिद्वार में ना एक एटलस की कंपनी है, एटलस साइकिल बनाती है। तो मेरे को तो यही पता था और आपको भी शायद यही पता हो कि एटलस कंपनी क्या बनाती है, साइकिल बनाती है। तो मैं सोच रहा साइकिल बनाती है, चलते हैं। लेकिन जब मैं उस कंपनी में ऑडिट पे गया, तो ऑडिट पे जाने के बाद पता चला कि यार ये कंपनी तो दवाई भी बना रही है। उसका नाम था एटलस फार्मास्यूटिकल। मैं बड़ा परेशान हुआ यार, साइकिल बनाने वाली कंपनी दवाई कब से बनाने लग गई। और ऐसे ही गया एटलस के एक यूनिट में, तो एटलस ट्यूब के नाम से था। मैंने पूछा एटलस वालों से, उनसे जाके, क्योंकि हम डिटेल में तो पूछ ही सकते हैं। मैंने पूछा भाई साहब ये तो दवाई बना रहे हो, कैसे आपकी दवाई बिकती है? मैंने तो नहीं देखा कोई एटलस की दवाई खा के ठीक हो रहा है, कोई बुखार उखार की तो दवाई देखी नहीं मैंने आपकी। तो उसने बोला सर ऐसा होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, जैसे सिप्ला हो गया, रेनबैक्सी हो गया, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी दवाई की है, तो इनके पास इतनी डिमांड है ना कि ये पूरी नहीं कर सकते। और एक नई यूनिट बनाने के लिए, जैसे मान लो कि 100 यूनिट एक 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 डिपार्टमेंट में बन रहा है, डिमांड आ गई इनके पास 120 यूनिट, तो 20 यूनिट के लिए एक नई फैक्ट्री थोड़ी ना लगाएंगे। 100 यूनिट के लिए चल रहा है, या तो 100 यूनिट और आ जाए तो एक फैक्ट्री लगाए। तो ये 20 यूनिट क्या करते हैं, किसी छोटी मोटी कंपनी से बनवा लेते हैं। तो ये कह रहे थे कि उसको दे देते हैं छोटी कंपनी को, जैसे एटलस हमें सिप्ला वाली दवाई दे देते हैं, फॉर्मूला दे देते हैं, मटेरियल दे देते हैं, सब कुछ वही देते हैं। हम उसको अपनी मशीनरी यूज करके उसको तैयार करके दे देते हैं, बदले में हम पर हिसाब कॉस्टिंग लेते हैं। तो उसे पता है क्या बोला जाता है, जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग का मतलब सर होता है कि हमारा सब कुछ, बस आप क्या करेंगे उसको बना के दे दीजिए, ठीक है ना। जैसे आप जिस पे फोन पे देख रहे हो, फोन भी जॉब कॉस्टिंग में। इसके अंदर क्या है, जैसे मान लेते हैं आपका फोन के अंदर प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का है। अगर मान लेते हैं आपका फोन ओप्पो रियलमी है, अगर ये खुद का प्रोसेसर बनाती तो बढ़िया नहीं होता, इन्होंने बनाने की कोशिश करी, बहुत महंगा पड़ा, तो इसने क्या बोला भाई तू दूसरा कमा लेते। तो ये जॉब कॉस्टिंग करवा लेते हैं, अपने प्रोडक्ट को किसी और से बनवा लेना जॉब कॉस्टिंग कहा जाता है। पढ़ लेते हैं एक बार सर, जॉब कॉस्टिंग इज यूज इन द टाइप ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन के तरीके से यूज होता है, वेयर वर्क डन अगेंस्ट ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर के थ्रू इंस्ट्रक्शन होता है टू असर्टेन कॉस्ट। सर समझ में नहीं आ रहा, देखो फिर से समझते हैं। जॉब कॉस्टिंग इज यूज इन द टाइप ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, वेयर वर्क इज डन अगेंस्ट ऑर्डर, ऑर्डर मिलता है तभी होता है, एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम कस्टमर, जब कस्टमर से एक इंस्ट्रक्शन मिलेगा। तो जैसे सिप्ला कंपनी एटलस को दे रही थी, टू असर्टेन द कॉस्ट ईच जॉब, ईच जॉब मतलब ये क्या होता है, हर जॉब होता है कि एक बार कितने बैच गए, एक बार में कितना करा उसने। सेपरेट अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर फॉर ईच जॉब असर्टेन टू द कॉस्ट, और इसके लिए अलग अलग अकाउंट बनता है। जैसे जॉब वन, जैसे प्रोसेस बनता था ना अपना, वैसे ही जॉब का होता है। तो यहाँ पे क्या कहता है, फॉर दिस पर्पज ईच जॉब गिवन, आपका वन जॉब नंबर, हर जॉब को नंबर देते हैं। आप कई बार दवाई में देखना या किसी प्रोडक्ट में देखना, जैसे आपका प्रोडक्ट तो आप देखोगे मेडिसिन में बहुत होता है कि ये है, और पीछे भी देखोगे मैन्युफैक्चर बाय कोई और कंपनी लिखा होता है। तो जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना, तो वो जॉब यानी दूसरी कंपनी है, तो इसका मतलब जॉब कॉस्टिंग में गया। तो होपफुली समझ में आया होगा, सिंपल सी मैंने बात बताई। जॉब कॉस्टिंग का मतलब है जब हमारे पास ज्यादा काम आ जाता है तो हम किसी और से करवा लेते हैं, तो उसे जॉब वर्क बोला जाता है। ठीक है सर, आगे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तो आपसे छुपा हुआ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कंस्ट्रक्शन के लिए होता है। ये कहता है प्रिंसिपल, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इट डज नॉट डिफर फ्रॉम, डज नॉट इन प्रिंसिपल डिफर फ्रॉम जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग जैसा ही मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से बिग जॉब, ये बहुत बड़ा बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उसके अंदर होता है, कंस्ट्रक्शन के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस टाइप ऑफ जनरली इंडस्ट्री अंडरटेकिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है। बस भाई सर, बैच कॉस्टिंग क्या है, जॉब कॉस्टिंग हो गया, बैच कॉस्टिंग। देखो बैच कॉस्टिंग ऐसा होता है, लॉट्स आपने सुना है कि एक बैच में इतने बने, जैसे कि आपका, जैसे हम बोलते हैं कि इस बार एक लॉट आ गया, दूसरा लॉट आ गया, किस्तें जिस तरीके से बोलते हैं ना, तो ऐसे बैच होता है। जैसे मैंने 10,000 यूनिट का आपको ऑर्डर दिया, आपने 500 यूनिट भेज दिया, एक पांच बोला कि अब जी मैं आपको 500 500 यूनिट करके भेजूंगा बना के। मैंने बोला ठीक है जी, 10,000 यूनिट का 500 500, तो 500 500 यूनिट करके भेज रहे हो, तो बैच है वो, तो उसको क्या बोला जाएगा, बैच। यानी आपने एक बैच बना दिया एक यूनिट को भेजने के लिए। तो क्या कहता है, देखिए बड़ा छोटा सा डेफिनेशन है लेकिन बहुत काम का है, जो भी करवा रहा हूँ सारे ही काम के। हेयर ऑर्डर लाइक अ प्रोडक्शन, आपका अरेंज इन आपका किसमें, कन्वीनियंट, आपके हिसाब से जो कन्वीनियंट है उसके हिसाब से बनाया जाता है। बैचेस, ईच बैचेस इज ट्रीटेड इज वन जॉब, वन जॉब के हिसाब से मतलब एक जॉब।
एग्जाम्पल दिस टाइप ऑफ कॉस्टिंग इंडस्ट्री लाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जैसे कि बिस्किट्स कंपनी वगैरह करती है, वहां पे भी देखना बैच कोड भी लिखा होता है, इस बैच में बना हुआ है, ठीक है ना। सर प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है? जी डिपार्टमेंट होता है, एक प्रोडक्ट को बनाने में अलग अलग प्रोसेस में लेके चलना पड़ता है, उसे बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। जिसने प्रोसेस करा है वो आराम से लिख देगा। सर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग वो कॉस्टिंग है जो सर्विस कॉस्टिंग बोलते हैं, जिससे सर्विस डिपार्टमेंट। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, सामान बनाना, लेकिन जैसे कि मान लेते हैं डॉक्टर कोई सामान थोड़ी बना रहा है, हॉस्पिटल कोई सामान थोड़ी बना रहा है, होटल कोई सामान थोड़ी बना रहा है, या फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन कंपनी कोई, तो इन सभी की जो कॉस्टिंग की जाती है उसको कहाँ रखा जाता है? ऑपरेटिंग सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का नाम दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट कंपनी, फॉर एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, रेलवे कंपनी, शिपिंग कंपनी, ये सारे एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ये सब सर्विस कॉस्ट में आ जाएंगे। सर आउटपुट कॉस्टिंग क्या होता है? सिंपल सा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको कहूंगा रिकमेंडेशन के पढ़ लीजिए, क्योंकि ज्यादा टाइम मैं आपका लूंगा नहीं, मैं फटाफट से अच्छे से थ्योरी हो जाए आपका, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, है नहीं, और चलते हैं हम आगे। मैंने एक एक चैप्टर का नोट्स बना दूंगा। देखिए यहाँ पे आ गया डिफरेंस बिटवीन द कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल। तो मैंने देखो पहले ऊपर डिस्कस किया था ना, कंट्रोल कौन सा, जो कि एक्शन वाली बात आई थी ना, और अनकंट्रोल जो कि एक्शन से बियॉन्ड हो, जिसपे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। डिफरेंस ये पढ़ लेंगे, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। और सर इसमें से तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए एक चैप्टर खत्म हो गया, तो मैं चैप्टर वाइज बना देता हूँ, जैसे कि 10 ईयर में दे रखा है। फर्स्ट चैप्टर का आपका खत्म हो गया, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो डाल देता हूँ, सो दैट ऐसा भी होगा ना, देखो सिंपल सी बात है, ये कट हो जाएगा, अभी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, तो जो बच्चे रात को पढ़ते हैं उनको फायदा मिलेगा, है ना। तो चलिए हम अभी फिर से इसको कट करके डाल देते हैं यूट्यूब पे, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, सेकेंड चैप्टर, बहुत जल्दी खत्म कर देंगे उसको भी अलग अलग, ताकि सो दैट बच्चा पढ़ पाए अच्छे से, ठीक है ना। आप बिल्कुल समझ में आए ना आपको ये सारी चीज, जैसे मैंने बताया, थोड़ा अच्छा लगे आपको कि हाँ सर कुछ हेल्प मिली है, कमेंट करके लिखिएगा सर इस से हेल्प मिली, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। देखो डिसलाइक करते हैं, चाहे लाइक करते हैं, चाहे कमेंट करते हैं, सर समझ में नहीं आया, आपने ये नहीं कराया, वहां से पेपर नहीं आया, मेरा ये मानना है ना, अगर आप किसी भी एक का भला हो रहा है ना मेरी वजह से, तो बस फायदे की मंद है। आप लोग कितना भी कमेंट करिए, नेगेटिव बोलिए, कुछ बोलिए, मैंने तो एक चीज सोच लिया है कि भाई मैंने इन सभी चीज को ध्यान नहीं देना, मैंने पढ़ाना है तो पढ़ाते रहना है YouTube के ऊपर, और जैसे भी, ठीक है ना। हाँ जी स्टूडेंट, चलिए हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मटेरियल करेंगे। तो रात के बज गए हैं 12:44, और होपफुली आप सभी भी पढ़ रहे होंगे, और मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी आप सबों के लिए। तो चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं, और ये रहा आपका सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है मटीरियल। सर मटेरियल में क्या करना है? सर मटेरियल क्या इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे कि हालांकि मैंने कई बार क्लास में भी डिस्कस किया, अरे बहुत बड़ा हो गया, ठीक है सर, ध्यान से समझिएगा, सिंपल सा टॉपिक है मटेरियल का, जल्दी खत्म हो जाएगा ये। चलिए आगे आते हैं, मटेरियल में क्या इंपॉर्टेंट है सर, क्या इंपॉर्टेंट है? जो इंपॉर्टेंट है देखो मैं वही कर रहा हूँ, बाकी आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। सबसे पहला एक्सप्लेन द इलस्ट्रेट और फिर मीनिंग ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ईओक्यू। ईओक्यू का क्या मतलब है? तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है समझिएगा, जहाँ पे हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर होता है, जिसने मटेरियल करा होगा ये समझ जाएगा इस मीनिंग को। जहाँ पे सामान को रख रखाव का खर्चा और सामान को मंगवाने का खर्चा बराबर होता है, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सर इसका क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस ये है कि हमारे वेस्टेज कम हो जाते हैं, हम इतने ही माल को मंगाते हैं जितने की जरूरत होती है, तो सिंपल सी बात है। तो आप सभी को फॉर्मूला पता होगा, आप देखिए यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए, तो जहाँ पे कैरिंग कॉस्ट, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन है कैरिंग कॉस्ट की, और ये वाली लाइन है ऑर्डरिंग कॉस्ट की, तो एक ईओ क्यू किसको बोल रहा है? इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे बराबर काट दिया, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, आप पढ़िएगा बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब अगला पॉइंट, अगला थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी थ्योरी है, कई बार पूछा जाता है, इनफैक्ट अभी रेगुलर एनुअल बोर्ड वालों का एग्जाम भी हुआ था कॉस्टिंग का, उसमें भी आया हुआ था ये थ्योरी कि एबीसी क्या है। देखिए एबीसी का मतलब आपका कोई इसका फुल फॉर्म नहीं है, इसका नाम ही एबीसी है। तो सर एबीसी का मतलब क्या है? एक इन्वेंट्री सिस्टम को मैनेज करने का, एक कंट्रोल करने का, उसको एबीसी के नाम से हम बोलते हैं। सर इसमें क्या सीखेंगे हम? इसके अंदर हम कैटेगरी वाइज कर देंगे, जैसे मान लेते हैं एबीसी एनालिसिस में, मान लेते हैं आपके घर का एग्जाम्पल लेते हैं, आपके घर में गोल्ड है ना, बोलो है या नहीं है गोल्ड? गोल्ड है सर, है, बहुत सोना है, सोना नहीं है, बहुत सारा गोल्ड है आपके पास।
तो इसका मतलब उसको आपने कहीं तिजोरी में बंद करके रखा होगा। अब क्वांटिटी की बात करें, बताओ 20 किलो है कि 30 किलो है? तो आप बोलोगे क्या मजाक कर रहे हो सर, 20-30 किलो थोड़ी, दो 10-12 तोला तो है हमारे घर में। तो वो 10-12 तोला क्वांटिटी बहुत कम है, लेकिन उसको सेफ्टी आपने ज्यादा दे रखा है। उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बताओ कितना लगा है? अगर 10 तोला भी है तो बहुत सारा पैसा लग गया सर इसके अंदर। तो एक तो वो हो गया आपका घर का सामान। दूसरा आपके घर के सामान की बात करते हैं हम, जैसे कि मान लेते हैं आटा, आटा चावल। तो आटा चावल क्या है, बहुत सारा है और सस्ता सामान है, ज्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगते और बहुत सारा सामान भी आ जाता है। अब ये मत बोलना महंगाई बढ़ गई है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो उसको आप खुला छोड़ देते हो। इसके ऊपर ताला लगाया कभी आपने? जहां चावल रखा हुआ है, आटा रखा हुआ है, सामान रखा हुआ है, सब्जी रखा हुआ है, क्या उसको ताला लगाया? नहीं लगाया सर, उसे ओपन छोड़ दिया। इसके बाद और आ जाते हैं हम, और आ जाते हैं जो घर के अंदर सबसे बेकार, जूते चप्पल। वैसे कॉस्टिंग क्या है, लेकिन ये सस्ते आते हैं, इतने नहीं है, सालों साल चलते हैं, दरवाजे के बाहर ही उतार देते हो आप इसे। अगर इसके अंदर देखा जाए जितना सोना चांदी में पैसे लगाया है, उसने जूते चप्पल में लगाओगे तो आप घर भर जाएगा एकदम जूते चप्पल से, तो और कुछ बचेगा ही नहीं आपके घर में। तो आपके देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस के हिसाब से काम कर रहे हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वाले आपने तिजोरी में बंद कर दिया, और आप ध्यान दोगे ना तो उसके अंदर ज्यादा पैसा फंसा है आपका। उससे कम इंपॉर्टेंस वाला आपने थोड़ा खुला छोड़ा है, ऐसे भी नहीं कि आप बिल्कुल घर के अंदर आपने आटे चावल को क्या करा है कि एकदम पलट के रख दिया है, ऐसा भी नहीं है। और उससे लेस वाला आप दरवाजे के बाहर जूते चप्पल। तो इसी तरीके से एबीसी के अंदर मटेरियल को रखा गया। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, उसको सेफ रखा जाता है। तो सर देखते हैं इसके अंदर एबीसी मेथड, इन्वेंट्री कंट्रोल मींस आपका ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल। इसका एबीसी का फुल फॉर्म ले लो, ऑलवेज एक बेस्ट कंट्रोल होता है, विच मीन द गिविंग द मोर अटेंशन टू दोज आइटम विच आर आपका कॉस्ट, जो कि कॉस्ट लिस्ट में होता है, लेस अटेंशन वहां पे दोज मटेरियल विच आर लार्ज क्वांटिटी में होता है और उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। देखिए सर कहता है कि ए कैटेगरी में प्रीमियम घर का सोना आपका 70% आपका पैसा फंसेगा, लेकिन क्वांटिटी मिलेगी 10% आपको। समझ में आ रहा है ना, 70 पैसा घर का पूरा पैसा लग गया इसमें, लेकिन सामान थोड़ा सा है। बी में 20-20%, देखिए ये परसेंटेज ना हर जगह अलग अलग दे रखा होगा, इसमें अलग है, बुक में अलग है, तो जो भी परसेंटेज आप याद करके जाएंगे अपने हिसाब से बना लीजिएगा। अगला कहता है कि 10% पैसे लगाओ और आपके पास 70% क्वांटिटी आ जाएगा। पैसे थोड़े लगाओ और सामान बहुत सारा आ जाएगा, इस कैटेगरी में बांट देंगे। अब इसका बात करते हैं हम, आपका एक्सपेंशन क्या है, आपका मटेरियल कॉस्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अंदर आपका एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज ये है कि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत स्मूथली रन करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपका वेस्टेज कम हो जाएगा, इंपॉर्टेंस गुड जो आपके खराब हो जाते थे वो खराब नहीं होंगे। तो यही सारी चीजें इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज भी पूछा जाता है, सर यहाँ पे लिखा नहीं है। डिसएडवांटेज क्या होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है। हर जगह जहाँ पे डिसएडवांटेज कॉस्टिंग का दे ना, वहाँ ये वर्ड तो लगा सकते हैं कि ये कॉस्ट टेकिंग है, टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, तो ये सारे हमारे डिसएडवांटेज हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए सर एबीसी समझ में आ गया, इसके बाद और क्या करेंगे सर? बिल्कुल चलिए चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं करने वाला। और अब आ गया हमारा, ये रहा, ये रहा क्लास में भी कर पाया है, व्हाट डू यू मीन बाय द बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर। ठीक है सर, बिन कार्ड और स्टोर लेजर क्या होता है? भाई रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा चेक करें। जी हो रहा है। तो बिन कार्ड क्या होता है? बिन कार्ड का आप ध्यान दीजिएगा, बिन कार्ड आपने जैसे कि सपोज करिए, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपको समझ में आएगा। आप किसी मॉल में जाइएगा ना, तो मॉल में ये मान लेते हैं जार रखा हुआ है, आप समझिएगा ये जार ऐसे रखा हुआ है और इस जार के अंदर अगर आटा है तो मॉल में आपको देने वाला नहीं होगा, इसके ऊपर कितना किलो लिखा होगा, कितने क्वांटिटी होगा, इसके अंदर ना एक पर्ची डली होती है, यहाँ लिख के डाल देते हैं, है ना, देखा होगा ना, आप उसी से पहचान जाते हैं। तो ये बेसिकली एक कार्ड है जहां पे हमारा क्या है, स्टॉक का डिटेल, मटेरियल का डिटेल, रेट, क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, वो सब डाल देते हैं हम लिख के। तो ये जो पर्ची है ना इसको बोलते हैं, ये जो पर्ची डली है ना ये पर्ची, इसे बोलेंगे बिन कार्ड। ये पर्ची कहाँ गया, पर्ची ये ब्लैक ले लेते हैं यार, इससे बात नहीं बन रही। चलो ये जो पर्ची है ना इसे बोला जाएगा बिन कार्ड, ठीक है। तो सर ये वाला काम तो बड़ा आसान सा काम है। अब देखिए बिन कार्ड का नीचे फॉर्मेट भी दे रखा है, क्या होता है इसके अंदर, क्वांटिटी होता है और रिसिप्ट इशू के तरीके से होता है। ये थोड़ा एडवांस लेवल का बना रखा है, पर आप समझिए कि वो पर्ची होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं सर बिन कार्ड कौन बनाएगा, बिन कार्ड किसके लिए जरूरी है, तो आपका सिंपल सा जवाब, मैं सिंपल सा जवाब दूंगा कि बिन कार्ड जो होते हैं ना लो लेवल के बनते हैं,
सर अब स्टोर लेजर क्या है? स्टोर लेजर वो होता है जैसे कि आपके स्कूल के अंदर अटेंडेंस होता है, उसी तरीके से इनका भी रजिस्टर होता है एक, जो कि लीफो फीफो में आप सभी ने किया है मटेरियल में, याद होगा ना कितने इशू हुए, कितने रिसीव हुए, कितने बैलेंस हुए, तो वो क्या होता है हमारा स्टोर लेजर होता है। इस स्टोर लेजर के अंदर क्या रहता है कि हमारा जैसे कि लीफो फीफो मेथड स्टोर लेजर है, और इसको अगर बिन कार्ड पहले बनता है, बिन कार्ड के बाद हमारा क्या बनता है स्टोर लेजर। बाकी मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने, क्योंकि मेरे को व्हाइट बोर्ड नहीं है जो कि मैं लिख के समझा पाऊँ, तो आप देखिएगा मटेरियल के लास्ट सेकंड लास्ट पार्ट में ना मैंने समझाया हुआ है इसको, आप वहां से भी देख सकते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट, इस बार आया भी था एग्जाम में। सर स्टोर लेजर एक बार पढ़ लेते हैं चलिए। कहता है बिन कार्ड, बिन कार्ड इट इज अ रिकॉर्ड मटेरियल फॉर ईच मटेरियल, ईच मटेरियल सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं हम, मेंटेन बाय द स्टोर कीपर, इसे भी स्टोर कीपर ही बनाता है, ऑन कार्ड इसे कार्ड पे बनाता है, नोन एज अ बिन कार्ड। दिस कार्ड इज आपका अटैच बिन, आपका बिन होता है, रैंक होता है, स्लॉट होता है, कुछ भी लोकेशन उसके हिसाब से कर देते हैं। और ये बिन कार्ड वाला सिस्टम ना बड़ा मेडिसिन वाली बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, मेडिसिन वाले ना हर डब्बे पे कुछ ना कुछ लगा के रखते हैं, ये दवाई कौन सी है, दवाई कौन सी है। मैं तो बड़ा कई बार ना देखता हूँ, हैरान हो जाता हूँ यार ये निकालते कैसे हैं, एक तो डॉक्टर की राइटिंग समझ में नहीं आता, ऊपर से इतनी सारी दवाई में ढूंढ के भी दे देते हैं, तो वो बिन कार्ड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ डब्बे पे चिपका के रखते हैं वो चीजें। अब तो खैर कंप्यूटर्स हो गया तब भी पता चल जाता। अब आते हैं स्टोर लेजर सर, स्टोर लेजर इज मेंटेन बाय द आपका कॉस्टिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करता है इसको, दिस इज गिवन अकाउंट ईच आइटम स्टोर इंक्लूडिंग द ऑल रिसिप्ट इशू एंड बैलेंस बोथ, सारी चीजें क्वांटिटी वैल्यू सब कुछ बताता है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं सर आगे, चलो आगे चलो, डिफरेंस यहां से बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो बिन कार्ड रिकॉर्ड इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, क्वांटिटी 10 किलो है, 20 किलो है, 100 किलो है। स्टोर लेजर के अंदर सर क्वांटिटी भी होता है और वैल्यू भी होता है, कितना वजह बैलेंस, याद आया आपको इसके अंदर तीन मेथड थे लीफो फीफो और वेटेज। बिन कार्ड कीप बाय द स्टोर कीपर, इसे स्टोर कीपर बनाएगा, और इसे कौन बनाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बनाता है इसे स्टोर। आपका एंट्री इन द बिन कार्ड आर मेड बिफोर ट्रांजेक्शन ऑफ रिसिप्ट इशू मटेरियल, कहता है बिन कार्ड में हम पहले एंट्री करते हैं, स्टोर लेजर में हम तब एंट्री कर सकते हैं आफ्टर द ट्रांजेक्शन टेकन इन टू द प्लेस रिसिप्ट और इशू। समझ में आई बात? तो सिंपल सी बात है, एंट्री बिन कार्ड आर मेड बिफोर द ट्रांजेक्शन रिसिप्ट, पहले बिन कार्ड होता है फिर स्टोर लेजर बनता है। तो सर इंपॉर्टेंट है इसे याद रखिएगा, होपफुली आपको सबको समझ में आ रहा है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब तो करते ही नहीं है जी आप लोग, बिल्कुल भी नहीं करते, पता नहीं कैसे कैसे बच्चे हैं आजकल, बस देखा और फिर सब्सक्राइब नहीं किया, नहीं तो मेरे भी सब्सक्राइबर होते यार, काश मेरे भी सब्सक्राइबर कितने होते, बोलते हैं ना कि मिलियंस में होते हैं लोगों के सब्सक्राइबर, यहाँ तो 10,000 भी नहीं हो रहे। चलो कोई नहीं, अगले पॉइंट पे आते हैं सर, अगले पॉइंट के बाद फिर से रिविजन कर लेंगे एक बार। अगला पॉइंट क्या है, हाउ द पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम और डिफर फ्रॉम द परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। तो सबसे पहले आप समझिए पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम वो होता है जैसे कि मान लेते हैं कि आपका दुकान है, दुकान में आपने क्या करा कि एक हफ्ते माल लेके आए और आपने संडे वाले दिन बैठ के पूरी अकाउंटिंग कर दी, तो उसे बोला जाएगा पीरियोडिक, यानी हफ्ते में एक बार, 4 दिन में एक बार। परपेचुअल के अंदर कैसे होता है, जैसे दुकान में सामान लेके आए, खरीद के आप मार्केट से, आप फटाफट पहले रजिस्टर खोला और उसको आपने लिखने लग गए, तो परपेचुअल वो होता है। सिंपल सी बात है, कुछ समय के बाद सामान को रिकॉर्ड करने को पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम कहते हैं, और एकदम सामान आया उसी टाइम रिकॉर्ड करने को परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ब्रीफली डिस्क्राइब परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग, वेयर द एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सारी चीजें बताई हुई है। तो मैंने आपको सिंपल सा कक्ष बता दिया क्या है इसका मतलब। सर चलिए आपने जो स्टोर लेजर किया हुआ है, आपने लीफो फीफो किया हुआ है, वो पता है किससे किया हुआ है, परपेचुअल से किया हुआ है, क्योंकि जिस जिस डेट पे सामान आ रहा था उस डेट पे करते थे, ठीक है ना। चलिए सर इसको आप पढ़ लीजिएगा, वैसे मैं बता देता हूँ। परपेचुअल में आपका लॉन्ग एंड कॉस्टली वर्क स्टॉक टेकिंग अवॉइड बिफोर क्लोजिंग डाउन ऑफ फैक्ट्री, एनुअल स्टॉक टेकिंग अवॉइडेड, मतलब क्या कहता है, एडवांटेज क्या है परपेचुअल का, मतलब आपका लॉन्ग एंड कॉस्टली होता है ये थोड़ा सा परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, ऑफ स्टॉक टेकिंग इन द अवॉइड देयर फॉर क्लोजिंग डाउन, मतलब जो हमारे खराब हो रहे हैं उसको इग्नोर किया जाता है। अगर ये पॉइंट आपको समझ में भी नहीं आ रहा दूसरा पढ़ सकते हैं। डिटेल रिलायबल चेक स्टोर मेंटेन, मतलब कि स्टोर इज मेंटेन रहता है, डिटेल होता है, रिलायबल चेक करते रहते हैं हमेशा चेक,
होता रहता है सर, ठीक है ना। इसको आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, आप इंटरनेट पे भी ढूंढ लीजिएगा ना, आपको इजीली मिल जाएगा, इससे इजी लैंग्वेज मिलेगा इंटरनेट पे, तो आप वहां पे ढूंढ लीजिएगा इसको। सर अगला क्वेश्चन आ गया सर। ब्रीफली एक्सप्लेन्स सॉरी ब्रीफली एक्सप्लेन द कंपेयर फीफो एंड लीफो मेथड्स को एक्सप्लेन करें। ओके सर, लीफो और फीफो क्या होता है? लीफो और फीफो का फुल फॉर्म मैंने नहीं पूछा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लास्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले इसके अंदर आप एक्सप्लेन करेंगे कि द क्या कहता है, देखो हम इसमें पढ़ ही लेते हैं। कहा गया कर्सर ये रहा, दिस मेथड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इशू आर प्लेस ऑर्डर टू परचेज मेड, यानी जैसे ही आपने परचेज किया उसके अकॉर्डिंग करेंगे। मटेरियल विच आर रिसीव फर्स्ट, जिसको पहले रिसीव किया गया, इशू फर्स्ट उसको इशू करेंगे, मतलब बासी माल फर्स्ट रिसीव और फर्स्ट बेच देना है, पुराने माल को पहले बेचना है, बासी माल बेचना है एक तरीके से, तो उसे फीफो बोलते हैं। समझ में आया ना, फर्स्ट रिसीव। इसके बाद अगला है लीफो। लीफो को एल से याद रखना, लेटेस्ट, ताजा माल पहले बेचेंगे बासी बाद में बेचेंगे, इसकी कहानी उल्टी चलती है। फीफो मेथड्स के कुछ यहाँ पे एडवांटेजेस है, आप पढ़ लेना इसके क्या क्या एडवांटेजेस है। सर क्या पढ़ना है इसके अंदर? इसके अंदर देखो क्या कि जैसे कि बासी माल को पहले बेचने में कौन सा होगा, जैसे दूध वगैरह है ये इनके लिए होता है, शेफ वगैरह, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि शेफ मेरिट सिस्टम मल्टीपल ये यूज करते हैं, वैल्यूएशन ट्रेंड होता है ये, तो ज्यादातर लोग ये करते हैं यूज। फीफो के डिसएडवांटेज क्या है? आपके यहाँ पे कहता है द कैलकुलेशन बिकम आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कैलकुलेशन कॉस्ट टेकिंग होता है, मोर टाइम टेकिंग होता है, ये सब लिख सकते हो, ठीक है ना। लीफो मेथड, सर लीफो मेथड आपने देखो करा हुआ है, इसको बस मैं बताता जा रहा हूँ। लीफो के अंदर क्या है? दिस इज प्लेस टेकन, क्या कहता है, स्टॉक कुड दिस मेथड इज ऑर्डर फीफो, मतलब इसने रिवर्स कह दिया, इसने कहा कि जो फीफो मेथड होता है ना उसी का उल्टा लीफो होता है, ये कह दिया। बट यहाँ पे ये लेटेस्ट आप बेच दोगे तुरंत। एडवांटेज लाइक फीफो इज सिंपल टू ऑपरेट एंड क्वांटिटी यूजफुल, देखो फीफो लाइक फीफो दिस सिंपल, मतलब फीफो से थोड़ा आसान है कि लीफो नया माल आया भाई बेच, खट्टा खोल जैसे बोलते हैं ना, अरे नया माल आया उसको पहले बेचते जाओ, तो नए माल को बेच रहा है, तो ये है। डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं इसके जी, डिसएडवांटेज में क्या हो सकता है, डिफरेंट जॉब बिकम डिफिकल्टीज आ सकती है इन सब चीजों में, तो वो तो देखिए इसको मैं इसलिए थोड़ा फटाफट से बोल रहा हूँ क्योंकि आप इसे पढ़ सकते हैं, मैं पॉइंट टू पॉइंट आप अपने लैंग्वेज में लिख भी सकते हैं। अगेन आ गया ये हमारा ब्रीफली एक्सप्लेन द फीफो लीफो, तो आगे नहीं करेंगे सर। हाँ एक आता है वेटेड एवरेज प्राइस, एक होता है हमारा वेटेड एवरेज प्राइस और एक होता है सिंपल एवरेज प्राइस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं बहुत थोड़ा सा। सिंपल एवरेज प्राइस में क्या होता है, हम प्राइस को एवरेज करते हैं सिर्फ, और वेटेड एवरेज प्राइस में क्या करते हैं, हम क्वांटिटी और प्राइस दोनों को एवरेज करते हैं। जैसे वेटेड एवरेज मेथड देखा था ना, तो क्या करते थे, क्वांटिटी टोटल करते थे डिवाइडेड बाय प्राइस कर देते थे। यहाँ पे क्या होता है, सिंपल प्राइस प्राइस को, जैसे कि मान लेते हैं कि 1 तारीख को माल खरीदा 5 रुपए का, बड़ा बहुत बड़ा हो गया, 2 तारीख को माल खरीदा 6 रुपए का, तो हम पता है क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे 6 और 5 11, और इसका प्राइस आ जाएगा 5 पॉइंट, ओहो 5.5 आ जाएगा, तो ये हो गया प्राइस। क्या मैंने यहाँ पे कहीं पे डिस्कशन किया कि आपका यहाँ पे वेट कितना है, क्वांटिटी कितना है, तो ये प्राइस है, और वेटेड के अंदर क्या रहता है, आपका क्वांटिटी भी लिया जाता है जी, ये बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे। और मटेरियल लॉस और स्क्रैप, हाँ बिल्कुल, ये कई बार क्वेश्चन और रेगुलर में भी आया हुआ क्वेश्चन है सर। ये स्क्रैप क्या होता है और वेस्टेज क्या होता है, स्पॉलेज क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। स्क्रैप वो होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि इसमें एग्जांपल दे रहा है, कारपेंटर, कारपेंटर को आपने एक लकड़ी दिया और उससे बोला दरवाजा बनाए, तो सारा लकड़ी एग्जैक्ट यूज नहीं होगा, कुछ टुकड़ा तो बचेगा ना काट पेट के, उससे बोला जाता है स्क्रैप। स्क्रैप हमेशा फिजिकल फॉर्म में होता है, ये बिक जाता है हमेशा, हम बेच देते हैं, ठीक है ना, इसे बोला जाएगा स्क्रैप। और ऐसे ही वेस्टेज की बात करें तो वेस्टेज हमारा दोनों हो सकता है, आपका फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, नॉन फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, इसे बोला जाता है हमारा वेस्टेज। वेस्टेज हमारा बिक भी सकता है और नहीं भी बिक सकता है, दोनों चीजें होती है, जैसे कि हमारा अभी एग्जाम्पल भी देख लेंगे। स्पॉयलेज क्या होता है सर? देखो पहले स्क्रैप समझ में आए, वेस्टेज समझ में आए, वेस्टेज का एग्जाम्पल बता दो तो समझ में आ जाएगा। चलिए सर हम देख लेते हैं, स्क्रैप का एग्जाम्पल दे रखा है पीस ऑफ वुड वाइल मेकिंग द फर्नीचर और एट द टाइमिंग इसे बेच सकते हैं, ठीक है। वेस्टेज का एग्जाम्पल देख लेते हैं, वेस्टेज का एग्जाम्पल क्या है पहले हम पढ़ लेते हैं। वेस्टेज इज अ टाइप ऑफ लॉस मटीरियल डिफरेंट फ्रॉम द स्क्रैप, ये स्क्रैप से अलग होता है। द सेंस
वेयर स्क्रैप इज ऑलवेज फिजिकली प्रेजेंट, स्क्रैप तो हमेशा फिजिकल होता है, वेस्टेज मे और नॉट बी फिजिकली, मतलब हो भी सकता है टुकड़ा और नहीं भी हो सकता है। दिस मीन द वेस्टेज मे बी विजुअल और इनविजुअल, ठीक है सर, मतलब देखा भी जा सकता नहीं भी। इट मे बी द डिसअपियर फॉर्म ऑफ आपका स्मोक, और आगे कहता है एवल्यूएशन, ठीक है सर। वेस्टेज हैज नॉट रियलाइजेबल, यहाँ पे वेस्टेज को बेचा नहीं जा सकता जबकि स्क्रैप को बेचा जा सकता है। वेस्टेज ऑल्सो क्लासीफाई इन टू द नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस में वेस्टेज को क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज चार्ज टू द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसे हम कंट्रोलिंग वेस्टेज भी कहते हैं। वेस्टेज रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर पीरियोडिकली, आपका पीरियोडिकली बनाया जाएगा, और एक्सेट्रा सारी बातें बोली गई है, ध्यान रखिएगा। स्पॉइलेज क्या होता है, जब हमें ऑर्डर मिलते हैं हम कम क्वांटिटी बना पाते हैं, इसे स्पॉइलेज कहते हैं। स्पॉइलेज में भी डिफाइंड एज द पोर्शन प्रोडक्शन में भी बिलो नॉर्मल क्वांटिटी लेवल, जितना हम बना सकते हैं उससे कम लेवल पे हम प्रोडक्शन करके चल रहे हैं उसे स्पॉइलेज बोला जाएगा। इसको भी हम क्या करते हैं, एबनॉर्मल लॉस मान लेते हैं इसको भी, और इसे ट्रांसफर कर देते हैं कॉस्टिंग पीएनएल में, तो सर इसे याद करिएगा। और एक आता है हमारा डिफेक्टिव, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफेक्टिव का मतलब जब माल बना रहे हैं तो उसमें कुछ डिफेक्ट निकल गया, सिंपल सी बात है। जैसे कि डिफेक्टेड मे बी, क्या कहता है, डिफेक्टेड मे बी डिफाइंड एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द प्रोडक्शन विच इज बिलो नॉर्मल क्वालिटी, यानी आपका जो क्वालिटी तय किया गया था उससे कम क्वालिटी में बना रहे हैं तो उसे बोला गया जाएगा डिफेक्टिव। इट कैन बी रेक्टिफाई द इनकरिंग कॉस्ट, और इसको कई बार रेक्टिफाई भी कर दिया जाता है। जैसे आप कई बार मान लो खाना खाने गए, खाना खाने बोले भैया मज़ा नहीं आया, पहले जैसा नहीं रहा, अब ये मज़ा नहीं आ रहा, पिछली बार खाया था तो मज़ा आ गया था आपके चाट पकौड़े के अंदर, आज मज़ा नहीं आ रहा। बोला अच्छा लाओ दूसरा बना के देते हैं, उसी के अंदर थोड़ा सा तड़का लगा के फिर दे देगा, बोलेगा अब मज़ा आ रहा है, हाँ अब मज़ा आ रहा है। तो डिफेक्टिव क्या होता है, जो कि थोड़ा जितना बनना चाहिए वैसा नहीं बनता और उससे नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेगुलर में पूछा गया था, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ने को, ये भी एबीसी होता है, लेकिन वो वाला एबीसी जो पहले पढ़ा दूसरा है। तो देखो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है, ये एक मॉडर्न टेक्निक है। पहले एक ट्रेडिशनल टेक्निक से कॉस्टिंग की जाती थी, लेकिन आजकल मॉडर्न टेक्निक से किया जा रहा है, हर चीज को अच्छे से क्लासिफाई किया जा रहा है, तो इसलिए उसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मतलब जिस एक्टिविटी से है उसको डिपार्टमेंट बांट दिए गए हैं। पहले डिपार्टमेंट नहीं होते थे, आज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग कर दिए गए हैं, सर्विस डिपार्टमेंट अलग कर दिए गए, लेकिन पहले डिपार्टमेंट नहीं होते थे। तो सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होता है क्या, होता है एक मॉडर्न अप्रोच है जो कि करा जाता है। चलिए देखिए पढ़ते हैं क्या कहता है। कहता है एबीसी इज कॉस्ट, आपका एट्रीब्यूशन कॉस्ट यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट रिसीव इन डायरेक्ट एक्टिविटी ऑर्डरिंग सेटअप या फिर अज्यूमिंग क्वालिटी, क्वालिटी के बेस पे। इन ट्रेडिशनल सिस्टम कॉस्ट अकाउंटिंग इज प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव और ओवरहेड आर एलोकेटेड एंड अपोर्शनड इंडिविजुअल प्रोडक्ट में बांटा जाता था। बट कहता है सच आपका जो अप्रोच था, जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था ओवरहेड को, हैज सर्टेन लिमिटेशन, कुछ इसमें लिमिटेशन था पुराने मेथड में, ठीक है ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट सर्विस इन द ऑर्डर, और इसके साथ साथ इसे ट्रेडिशनल अप्रोच भी लिमिटेशन के साथ साथ इसको बनाया गया। तो अब आ गया हमारा क्या, हमारा आ गया एबीसी एनालिसिस। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इस कॉस्टिंग मेथड आइडेंटिफाई द एक्टिविटी द फर्म परफॉर्म देन द असाइन द इनडायरेक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट के अंदर आ गया ये एबीसी सिस्टम। रिकॉग्नाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिविटी एंड प्रोडक्ट, उसके बीच में बताता है। तो सिंपल सी बात करें तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होता है, ये हमारा न्यू है, लेटेस्ट है, मॉडर्न टेक्निक है, हर चीज को डिफाइन करके करता है, और जो हमारा पहले ट्रेडिशनल था उसके अंदर नहीं था। क्या था, एबीसी क्लासिफाई फाइव ब्रॉड लेवल के अंदर क्लासिफाई किया जाता है इनटू द क्राइटेरिया, जैसे कि दीज लेवल इंक्लूड द बैच लेवल, एक्टिविटी लेवल, यूनिट लेवल, यूनिट लेवल एक्टिविटी, कस्टमर लेवल एक्टिविटी, तो अलग अलग लेवल पे इसे किया जाता है। सर सिंपल, यहाँ पे हमने देख लिया सिंपल एंड वेटेड एवरेज मेथड के अंदर डिफरेंस, पहले ही मैंने बता दिया था, ठीक है सर। ये चैप्टर भी खत्म होता है, लास्ट चैप्टर बचेगा एक लेबर, लेबर भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट इस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं, इसमें से काफी क्वेश्चन हमने देखे हैं, तो मेन मेन क्वेश्चन देख लेते हैं सर क्या क्या है, फटाफट से फटाफट आ जाता है, फिर इसको भी कट करके मैं अभी अपलोड कर दूंगा।
तो सर काफी बड़ा चैप्टर है वैसे, इसमें और भी चैप्टर कवर हुए हैं। आप जैसे देखोगे इसमें दो, लेकिन बुक के हिसाब से देखो तो काफी सारे चैप्टर कवर हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन सर, ईओक्यू क्या होता है? ईओक्यू वो होता है जहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और सॉरी जहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं सर? ईओक्यू बोलते हैं। इसके बाद एबीसी क्या होता है? हम कैटेगरी के हिसाब से स्टॉक को रखते हैं, जहाँ पे ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, महंगे वाला ए कैटेगरी, उससे थोड़ा सस्ते वाला बी कैटेगरी, और सबसे सस्ता और बेकार जो कि मानते हैं हम वो सी कैटेगरी में आ जाता है। इसके बाद चलते हैं जी, आगे चलते हैं। आगे हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर? बिन कार्ड और स्टोर लेजर आ जाएगा अभी। बिन कार्ड और स्टोर लेजर में क्या डिफरेंस है? बिन कार्ड क्या होता है? एक पर्ची के तरीके से बना के डालते हैं। स्टोर लेजर क्या होता है? ये हमारा जो डिपार्टमेंट करता है, जैसे लीफो फीफो था वो एक स्टोर लेजर था। इसके बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है, जो कि डिफरेंस यहाँ पे गिवन था। बिन कार्ड रिकॉर्ड ओनली क्वांटिटी, और जबकि स्टोर लेजर में क्वांटिटी और वैल्यू दोनों होता है। बिन कार्ड स्टोर कीपर बनाता है, ये डिपार्टमेंट बनाता है। बिन कार्ड पहले किया जाता है, स्टोर की बाद में किया जाता है। अब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और पीरियोडिक, पीरियोडिक में हम क्या करते हैं? टाइम बेसिस पे कुछ समय के बाद रिकॉर्ड करते हैं, जबकि परपेचुअल के अंदर हम फटाफट से रिकॉर्ड कर देते हैं। चलिए जी, इसे रिवाइज कर रहे हैं इसलिए मैं फटाफट बोल रहा हूँ, ऑलरेडी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ। लीफो फीफो क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फीफो के अंदर बासी माल पहले बेचो, लीफो के अंदर ताजा माल पहले बेचो। इसके मेरिट डिमेरिट आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, आपको बस कर्क्स बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे इसके अंदर के हाँ ये थ्योरी भी पढ़ा था। तो ये देखिएगा सिंपल एवरेज प्राइस के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, सिर्फ प्राइस को टोटल करके दो से डिवाइड कर दिया जाता है। वेट में क्या करते हैं? टोटल जो कॉस्ट होता है उसको हम टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। ठीक है सर, स्क्रैप क्या होता है? स्क्रैप वो होता है जिसके के फिजिकल फॉर्म में होता है, जिसे हम बेच देते हैं, जैसे मैंने लकड़ी का बोला। वेस्टेज क्या होता है सर? ये आपका इनविजिबल भी होता है, और ये ड्यू टू हमारा क्या होता है, जैसे एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस के तरीके से होता है। स्पॉयलेज क्या होता है? जब हम डिमांड से कम बना देते हैं। डिफेक्टिव क्या होता है? जब नॉर्मल क्वालिटी से हम क्या करते हैं, कम बना देते हैं। ये सब पढ़ लिया था हमने। अब आ जाते हैं एबीसी, एक्टिविटी कॉस्ट क्या है? ये एक मॉडर्न अप्रोच है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, नए तरीके से हर चीज को अच्छे से डिफाइन करके करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच है अच्छे, इसके अंदर लेवल कितने हैं? पांच है सर, बैच लेवल और एक्टिविटी यूनिट, और इसके बाद आपका जो भी गिवन है कस्टमर लेवल आपने देख लिया है। तो सर यहाँ पे ये चैप्टर होता है खत्म, इस चैप्टर को भी कट कर देते हैं। उसके बाद हमारा देख लेते हैं तीसरा चैप्टर कितना बड़ा है सर, इसमें से भी बहुत कुछ आता है यार, इसके बाद तो ओवरहेड भी है। हाँ 1 बज गया, चलो छोटे छोटे चैप्टर जल्दी से रिवाइज कर सबको गया, इसे हम स्टॉप कर देते हैं अभी। चलिए सर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है हमारा सर, वो है अगला थ्योरी। चलिए फटाफट से खत्म करेंगे, थोड़ा और स्पीड बढ़ाएंगे, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है फटाफट से। चलिए आगे चलिए, इसके अंदर आपका एलोकेशन और अपोर्समेंट क्या होता है, और एब्जॉर्प्शन ओवरहेड क्या होता है, काफी काफी इंपॉर्टेंट। हम किस पे हैं? लेबर पे हैं, ओवरहेड पे? अच्छा ओवरहेड पे आ गया, पहले लेबर करना है, रुक जाइए। लेबर लेबर लेबर, एग्जाम में करके जरूर आइएगा आप, एकदम छोटू सा चैप्टर है और सिंपल। जब मैंने लेबर चैप्टर करवाया है अभी रिसेंटली, उसके अंदर भी आपको बताया था तीन चार थ्योरी। चलिए पहला इंपॉर्टेंट नहीं है लेबर का, दूसरे की बात करते हैं। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेबर टर्नओवर क्या होता है, इसके अंदर बताए थे तीन मेथड होता है, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड और फ्लक्स मेथड। तो उसी को हमें एक्सप्लेन करना है। जैसे कि आपका लेबर टर्नओवर में, तो सबसे पहले देखो क्या कहता है, इट्स ऑफन टू द फैक्ट्री ओवरहेड चेंज इन द वन एम्प्लॉयमेंट टू अनदर, जो कहता है हमारा फैक्ट्री के खर्चे एम्प्लॉयमेंट की वजह से, एम्प्लॉयर की वजह से चेंज हो जाता है सम टाइम लेबर। उसके बाद इसने कहा इसके मेथड हमारे पास तीन है, आपका सेपरेशन मेथड का फॉर्मूला लिख दिया, रिप्लेसमेंट का लिख दिया, फ्लक्स का लिख दिया। इसके बाद इसको समझा दिया इसने। अब इसके बाद अवॉइडेबल कॉज ऑफ इंक्लूड रीजन लाइक क्यों होता है हमारा लेबर टर्नओवर निकालने की जरूरत, रिट्रेच वर्कर बिकॉज ऑफ द सीजनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिट्रेच वर्कर आते हैं और फिर हम उसे भेज देते हैं। जैसे कि ये क्यों होता है सर, दिवाली के टाइम पे आप देखोगे मिठाई वाले बहुत सारे वर्कर रख लेते हैं, दिवाली खत्म होते ही वो क्या करते हैं उस वर्कर को निकाल देते हैं। तो परसेंटेज जानना जरूरी है, और रिट्रेचमेंट इसलिए कर देते हैं हम ताकि हम जो पहले से हायर वेजेस पे काम कर रहे हैं, अब जो नए आएंगे उसको लो वेजेस दें। अब का कंडीशन अच्छी नहीं है वर्किंग करने का, तब भी रिट्रेचमेंट कर देंगे। ठीक है,
और भी इसके कुछ रीजंस हैं, जैसे कि अनेवेबल कॉज कैन बी इंक्लूड रीजन सच सर इसके लिए, जैसे पर्सनल आपका या फिर रिटायरमेंट हो जाता है, सिकनेस हो जाता है, इसकी वजह से भी रिट्रेच किया जाता है। तो ये सिंपल सी बात है क्योंकि हम एम्प्लॉय को निकालते क्यों है, रिट्रेचमेंट में एम्प्लॉय को निकालना, समझ जाओ। इसके बाद हाई लेवल टर्नओवर, एफिशिएंट एंड हाई लेवल टर्नओवर और रिप्लेसमेंट कॉस्ट आगे चल जाते हैं। अरे इसने तो सारा बताया नहीं, मेरे ख्याल सारा नहीं बताया, तीनों बता दिया। रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट के बाद आपका आ जाता है, एक है आपका रिप्लेसमेंट और एक क्या था, सेपरेशन। सेपरेशन में क्या होता है, निकाल देना, रिप्लेसमेंट का मतलब नए एम्प्लॉय को भर्ती कर लेना, उसी के बारे में नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको पढ़ लेंगे, वैसे मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, अभी रिसेंटली पढ़ा हुआ तो मेरे हिसाब से आपको जरूरत नहीं है ज्यादा करने की। ब्रीफली डिस्क्राइब द आपका, नहीं ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है मैं वो बता देता हूं। आइडल टाइम, आइडल टाइम मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। आइडल टाइम क्या होता है सर, आइडल टाइम वो टाइम होता है जिसके टाइम पे एम्प्लॉय खाली बैठा होता है। सर खाली बैठा क्यों होता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, इकोनॉमिक रीजन हो सकते हैं आपके, या आपके मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मतलब एम्प्लॉय को काम नहीं मिला उस टाइम पे। जैसे मान लेते हैं कि मटेरियल आपके टाइम पे ऑफिस फैक्ट्री में नहीं है, तो एम्प्लॉय तो खाली बैठा है, उसे आइडल टाइम बोले, ठीक है ना। दूसरा आप मान लीजिए इसके अंदर क्या हो सकता है, सेकेंड अगर बोले तो आपका लाइट चली गया ऑफिस के अंदर, जनरेटर नहीं लगा रखा, तब भी आइडल टाइम है। आपका मशीनरी खराब हो गया, वो भी आइडल टाइम होगा। तो बहुत सारे रीजन है आइडल टाइम होने का। आइडल टाइम का मतलब मैं सिंपल बताऊं, जिस टाइम पे एम्प्लॉय खाली बैठा होता है, काम करना चाहता है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा, उसे आइडल टाइम बोलेंगे। कई बार एम्प्लॉय अगर जानबूझ के काम नहीं कर रहा, वो भी आइडल टाइम होगा। तो आइडल टाइम क्या है, इसके बाद व्हाट इज द डिफरेंट आइडल कैपेसिटी एंड आइडल टाइम। आइडल कैपेसिटी का मतलब जो काम करना चाहते हो 100% पे काम नहीं कर रहे, उससे कम पे कर रहे हो, आइडल कैपेसिटी है। आइडल टाइम का मतलब वर्कर काम नहीं कर रहा। देखिए आइडल टाइम में क्या लगता है, द टाइम वेज सिस्टम ऑफ द वेजेस पेमेंट वर्कर पेड टाइम बेसिस एंड थ्रू द टाइम बुकिंग मेथड। इसको टाइम बेसिस पे पेमेंट तो होगा, मेंटेनिंग टाइम कार्ड जॉब कार्ड के हिसाब से मिलेगा। इट इज यूजुअल फाइंड दैट द डिफरेंस बिटवीन द आपका एक्चुअली स्पेंट, क्या कहता है ये, विच दे आर पेड टाइम दे एक्चुअली स्पेंट ऑन प्रोडक्शन जॉब, द वेरी डिफरेंस कॉल्ड आइडल टाइम आउट। मतलब सिंपल सी बात है, आप ध्यान से पढ़िएगा इसको, बात वही कह रहा है कि जिस टाइम पे वर्कर को पेमेंट दे रहे हैं लेकिन उसने काम नहीं किया, खाली बैठा रहा, उसे आइडल टाइम कहेंगे। चलिए सर आगे भी आएगा ये अलग से क्वेश्चन, तो ये था इसमें इंपॉर्टेंट। इसमें आइडल टाइम बहुत पूछा जाता है, एक ओवर टाइम। ओवर टाइम क्या होता है सर, देखो वेजेस जो दिया जाता है ना वो 8 घंटे का टाइम होता है, स्टैंडर्ड 9 घंटे का टाइम होता है, उसके बाद जब एक्स्ट्रा टाइम करते हो उसे वेजेस बोला जाता है। तो वो चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, वेजेस में आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। तो इसमें सर इतना नहीं है, देखिए यहाँ पे अलग से आया ना आइडल और बोनस पेबल टू एम्प्लॉई, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट में आइडल टाइम इसने डिस्क्राइब कर दिया, और लीव विद वेज इसके अंदर कैसे कैसे दिया जाता है हमारा, दूसरा नहीं, दूसरा क्या था, एक आइडल टाइम, तीसरा हाँ लीव विद वेज, कब कब हम वेजेस देते हैं, रिटायरमेंट पे देते हैं, ग्रेजुएटी पे देते हैं, वो सारी चीजें। बोनस प्लान भी देखिए एक बार को, अभी तक आया नहीं, ये नहीं आया, आ गया देखते हैं। कहता है डिस्कस द रेट एंड मेथड वेज पेमेंट। सर मेथड तो वही है जो पहले करा था हमने, सेपरेशन, ये मेथड इसके अंदर आया नहीं, मेरिट वगैरह का आया नहीं। तो एक बार आप इसके अंदर पता है क्या देखिएगा कि बोनस स्कीम किस किस की है। बोनस स्कीम हेल्से का, रोन का, एफडब्ल्यू टेलर का जो था, टेलर का, इनका आप देख के जाइएगा, ठीक है। तो सर ये चैप्टर भी होता है खत्म, और इस चैप्टर के बाद हम अगले चैप्टर के ऊपर चलेंगे, इसको भी हम कर देते हैं रिकॉर्डिंग स्टॉप। इसमें से जो बताया है वो इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ लीजिएगा। चलिए सर बच गए हैं एक, 22 के रात बज रहे हैं, और स्टार्ट करते हैं हम, लास्ट पार्ट करेंगे अब ओवरहेड। ओवरहेड में से कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, मैं उसकी डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ। होपफुली आप भी पढ़ रहे होंगे रात को, कल एग्जाम है और मेरी बहुत उम्मीद है कल के एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो जिस हिसाब से आप सभी मेहनत कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अच्छा जाना चाहिए।
चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे। चलिए तो सर, पहला क्वेश्चन कौन सा कराओगे अभी इसके अंदर? अब आ जाते हैं हम ओवरहेड के कुछ पॉइंट्स करने के लिए जो इंपॉर्टेंट है। चलिए सर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना? काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में पूछा भी गया था। सर क्या पूछा गया था एग्जाम में? देखिए, एलोकेशन और अपोर्समेंट में क्या डिफरेंस है? तो सर मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, एलोकेशन का मतलब होता है जैसे कि आपके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं ओवरहेड्स के अंदर, सर्विस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उस सभी डिपार्टमेंट में बांट देना। बांट देना इन द सेंस वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ कि आपके तीन डिपार्टमेंट हैं, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ बट पता ही आपको, जैसे कि एक डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट और तीन डिपार्टमेंट है। यहाँ पे एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, एक यहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहा है, एक यहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहा है। इन तो उन तीनों की अलग अलग सैलरी है, इसकी 5,000 तो इस वाले डिपार्टमेंट पे, इसकी 6,000 इस डिपार्टमेंट पे, इसकी 3,000 तीन है। तो हर एक डिपार्टमेंट का आपका अलग अलग है, हर किसी को अलग सैलरी दे देंगे। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है ये एक ही एरिया में बना हुआ है, इस पूरे का रेंट जो है वो रेंट है मान लेते हैं 5,000 रुपये। तो सर जो पूरे का रेंट अगर 5,000 रुपये है तो इसको तो तीनों डिपार्टमेंट में बांट देना चाहिए। बिल्कुल, तो इसको जब हम बांटेंगे इसे बोला जाएगा अपोर्समेंट। यानी एलोकेशन का मतलब उस एरिया का स्पेसिफाइड खर्चा है कि उस एरिया में जाएगा। आपको पता है कुछ ऐसे खर्चे हैं जिसे हम एक रेशो में, एक प्रपोर्शनेटली बांट देते हैं, उसे बोला जाता है अपोर्समेंट करना। सर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का मतलब जितना हम कॉस्टिंग के अंदर खर्चा करते हैं सब एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे मान लो, सपोज करो डेप्रिसिएशन मैंने फाइनेंस में लगाया 100 रुपये और कॉस्ट में लगाया 80 रुपये, तो एब्जॉर्प्शन पता है कॉस्ट में कितना है? 80 रुपये का है। लेकिन अंडर एब्जॉर्प्शन है क्योंकि कॉस्ट में फाइनेंस की तुलना में हमने कम लगाया है, तो इसलिए इसे बोलेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन। सेम ऐसे देखा जाए तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि वर्कर की सैलरी, सैलरी फाइनेंस में है 25,000 और कॉस्ट में है 30,000, तो एब्जॉर्प्शन कितना होगा? 30,000, लेकिन यहाँ पे ओवर एब्जॉर्प्शन माना जाएगा, ठीक है ना? तो एक है एलोकेशन, एलोकेशन का मतलब उसी जगह का खर्चा जहां के लिए है उसे एलोकेशन कहेंगे। अपोर्समेंट, खर्चा पता नहीं चल रहा एक रेशियो में बांट देंगे अपोर्समेंट। एब्जॉर्प्शन, जितना भी खर्चा हुआ हो एक्चुअल बेसिस पे या एस्टिमेटेड बेसिस पे जो भी है उसे एब्जॉर्प्शन बोला जाएगा, कॉस्टिंग, ठीक है जी सर? बहुत सिंपल, अब इसके हिसाब से आप पढ़ेंगे तो बहुत समझ में आ जाएगा इजीली। देखिए सबसे पहले क्या है, अपोर्समेंट ओवरहेड कहता है कि अपोर्समेंट है या पहले कौन सा, एलोकेशन है। एलोकेशन प्रोसेस टू द शीट, ओवरहेड कॉस्ट पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर के ऊपर जाएगा हमारा, हर कॉस्ट का डिपार्टमेंट अलग होता है। वेयर द नेचर ऑफ एक्सपेंस सच दैट कैन बी इजीली आइडेंटिफाई विद द पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर, किससे रिलेटेड है, इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। कॉस्ट सेंटर फुल एलोकेशन, फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेड टू फॉरमैन, आपका इंचार्ज पर्टिकुलर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो उसको दे दिया जाएगा, उसे बोलेंगे। सर अपोर्समेंट क्या है? इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ओवरहेड जो खर्चे होते हैं डन इन द कॉस्ट ओवरहेड, ठीक है, विच कैन नॉट बी होली एलोकेटेड अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट से नहीं है, वो सब पे है। जैसे मैंने बताया सैलरी पेड टू वर्क मैनेजर, पेड वॉच एंड वार्ड स्टाफ। सर वॉचमैन की सैलरी जब दोगे आप तो वॉचमैन तो सब कुछ देख रहा है, तो सारी डिपार्टमेंट बढ़ता है। वार्ड स्टाफ, वार्ड स्टाफ कौन होता है? वार्डन होते हैं जो खाना पीना बना रहे हैं, उसको बोलते होंगे, भाई मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है वार्ड स्टाफ का, तो वो होगा, तो उसका भी सैलरी इसी तरीके से बढ़ता है हमारा। अपोर्समेंट ऑफ द प्रोसेस, आपका स्प्लिटिंग अप द आइटम ओवरहेड एक्सपेंस एंड, तो सिंपल सी बात है सर, पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे दे दिया इसने रेंट ऑफ बिल्डिंग, इसे बांटा नहीं जा सकता, इसे हम बोलेंगे क्या, अपोर्समेंट। कैन नॉट बी एलोकेटेड सिमिलरली इनडायरेक्ट मटेरियल वगैरह जनरल एक्सपेंस, ठीक है ना? एब्जॉर्प्शन ओवरहेड, तो यहाँ पे देखिएगा सर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है। एब्जॉर्प्शन इज द अलॉटमेंट ऑफ ओवरहेड टू द कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट यूनिट के रूप हिसाब से होता है। इट्स रेफर टू चार्ज ओवरहेड ऑफ द कॉस्ट सेंटर, डिफरेंट कॉस्ट यूनिट, उसे एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। सिंपल सी बात है भाई, खर्चा होगा कॉस्ट शीट में डालेंगे, उसे एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, खर्चा हो गया, ठीक है ना? इस तरीके से आप एक बार पढ़िएगा और इसको समझिएगा। मैं तो देखो सिंपल सा पॉइंट बता रहा हूँ जिसमें आपको याद रहे। सच वे कॉस्ट यूनिट बियर अपोर्समेंट पोर्शन,
तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा एब्जॉर्प्शन को, इतना इंपॉर्टेंट एब्जॉर्प्शन नहीं है, जब जित ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने अच्छे से बता दिया। अगला सर्विस डिपार्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट कौन से होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड डिपार्टमेंट कौन से होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड कॉस्ट, ठीक है, सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट को आप कैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बांटेंगे? तीन मेथड बताए थे ना आपके, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, रिपीट आपका रिपीटिंग नॉन रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके अंदर आपको बताया था। और इसके अंदर मेथड्स भी थे सेकंड डिपार्टमेंट में बांटने का, जैसे कि स्टोर को कैसे बांटोगे। तो एक मैंने जब क्लास में करवाया ना ओवरहेड, देखोगे पहली क्लास में ये सारी चीजें मैंने लिखवाई हुई है और वहां समझाया हुआ भी है, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा हर चीज को बांटने का। देखो यहाँ पे अपोर्समेंट है, जैसे स्टोर है, स्टोर को किस में बांटेंगे? मटेरियल में। टाइम कीपिंग को किस में बांटेंगे? नंबर ऑफ एम्प्लॉय में। कैंटीन को किस में बांटते हैं? नंबर ऑफ एम्प्लॉय में। पावर को किस में बांटते हैं? हीट में, हॉर्स पावर में। रिपेयर को किस में बांटते हैं? वैल्यू ऑफ एसेट्स में। सारी चीजें दे रखा है, अपोर्समेंट कैसे किया जाता है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। और ये इनके कुछ मेथड्स है, जैसे कि इसके अंदर रिपीटेड मेथड था और साइमल्टेनियस ट्रायल एंड एरर, याद होगा। ये आप देखना चाहते हो तो क्लास नंबर 3 और 4 में ओवरहेड में दिख जाएगा इसके मेथड भी, जिसके ऊपर डिस्कस किया अगर आपने देखा है। व्हाट डू यू मीन बाय द ऑब्जेक्शन ओवरहेड, फिर से आ गया, यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हो। देखो ऑब्जेक्शन इज अलॉटेड टू ओवरहेड टू द कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट यूनिट पे होगा। इट्स मतलब जो भी बनाओगे उस पर जो खर्चा होगा। इट्स रेफर टू द चार्जिंग ऑफ ओवरहेड ऑफ कॉस्ट सेंटर टू डिफरेंट कॉस्ट यूनिट, जिस कॉस्ट यूनिट पे होता है उसे ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन बोला जाता है। सच वे ईच कॉस्ट यूनिट बियर अपोर्समेंट अप्रोप्रिएट पोर्शन ऑफ द शेयर ऑफ ओवरहेड, हर जो भी यूनिट होते हैं उसका एक अपना ओवरहेड होता है, उसके ऊपर जो भी ओवरहेड यानी जो भी खर्चे होंगे उसे हम ऑब्जॉर्प्शन बोलेंगे। ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन इस प्रोसेस ऑफ अलॉटिंग टू द टोटल कॉस्ट ऑफ, इसके बाद कहता है आगे सिंपल सी बात है, वाइल एलोकेशन ऑफ द अपोर्समेंट। तो मैंने पहले बताया रिकवरी ओवरहेड अंडर होता है ओवर होता है, ठीक है, तो इसको आप पढ़िएगा पढ़िएगा। अब आते हैं जी और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट। हाँ सर, इम्पोर्टेंट ये है, कहता है एक्सप्लेन द परसेंटेज रेट मेथड ऑब्जॉर्प्शन, इन सभी को एक्सप्लेन करिए अच्छे से। तो मैंने बड़े सारे परसेंटेज बताया था, डायरेक्ट मटेरियल परसेंट, ओवरहेड की लास्ट क्लास देखिएगा, सारी परसेंटेज आपको पता चल जाएगा। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थ्योरी को प्रैक्टिकल से कनेक्ट कर रहा हूँ, जिसने करा होगा उसको समझ में आ जाएगा। तो वहां पे जितने भी परसेंटेज आपके फॉर्मूले दिख रहे हैं ना, ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेस इनटू में 100, सब लिखे हुए हैं, आपको वहां से समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ आपका टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। मशीन आवर रेट सर क्या होता है? जब हम एक घंटे पे मशीनरी का कितने खर्चा पड़ेगा उसे मशीन आवर रेट कहते हैं। इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कॉस्ट शीट की मदद से, जैसे कि हमने पहले बताया हुआ है फिक्स चार्ज, रनिंग चार्ज, वेरिएबल का चार्ज के हिसाब से। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखिए, अंडर ओवर ऑब्जेक्शन आ गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है तो आप इसको ही पढ़िएगा। मैंने बताया एग्जांपल, अंडर ऑब्जेक्शन कब होगा, ओवर ऑब्जेक्शन कब होगा, जब हमारा ज्यादा खर्चा होगा तो ओवर है, जब कम होगा तो अंडर है। एक क्वेश्चन भी किया था मैंने इस पे, ठीक है ना, तो आप इसे पढ़िएगा जरूर। सर आप तो सबको बोल रहे हैं पढ़िएगा, मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आपको, कनेक्ट जरूर कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्या था सर, हाउ विल यू ट्रीट इन द कॉस्ट अकाउंट? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कॉस्ट अकाउंट के अंदर ट्रीट नहीं होता सर, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। द सर्टेन आइटम ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंस आर विच आर इंक्लूड इन द फाइनेंशियल अकाउंट डज नॉट फाइंड प्लेस ऑफ कॉस्ट अकाउंट, सिंपल सी बात है, तो इसे नहीं करेंगे। लीव वेजेस इसे करेंगे जी सर, होता है। ऑडिट फीस भी होता है आपका, एडमिन का पार्ट। हॉलीडे विद पे ये भी होता है, बेड डेट्स होता भी है और नहीं भी होता, कैजुअल वेज होता है, कैरिज इनवर्ड भी होता है। तो जो चीजें खर्चे होती है उसको कहाँ दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे उसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के इन्होंने बड़ा बड़ा लिख रखा है। चलिए और सर इसके अंदर इंपॉर्टेंट की बात करें, कोई इंपॉर्टेंट दिखे? अगला है मेथड ऑफ कॉस्टिंग, मेथड के अंदर क्या होता है हमारा कॉस्टिंग के अंदर, सिंपल सी बात है। एक ना अच्छा वो क्वेश्चन कर लेना कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स वाला,
आपके पास तो मेरे पास पता नहीं कहाँ पे है, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा स्टैंडर्ड्स वाला बुक में से देख के। एक ये नॉर्मल एबनॉर्मल गेन लॉस ये पढ़ लीजिएगा, प्रोसेस के अंदर मैंने बड़े अच्छे से कराया है। नॉर्मल लॉस क्या होता है, वो लॉस जो कि नॉर्मली होता ही होता है प्रोडक्शन करने में, हर बार होता है उसे नॉर्मल कहते हैं, रेगुलर। एबनॉर्मल क्या होता है, जो इरेगुलर होता है, इसका कॉस्ट हम निकालते हैं, नॉर्मल का हमारा दिया हुआ होता है। ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट देखो हम पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, सर्विस कॉस्टिंग भी हम पहले कर चुके हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी डिस्कस कर चुके हैं, तो बहुत सारी चीजें तो वही है। तो सर अकाउंटिंग सिस्टम, मैक्सिमम थ्योरी का पार्ट कवर कर लिया, इसके साथ साथ कुछ कुछ थ्योरी और रहती है आपकी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या क्या थ्योरी रह गई है। तो ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है मे बी। ओ माई गॉड 1:30 बज चुके हैं। चलिए टेलीग्राम पे मैंने वैसे थ्योरी नोट्स तोड़ दिए हैं, चेक करते हैं। जी सर बिल्कुल सर, थ्योरी नोट्स आपने दे दिए हैं, आंसर भी मैंने डाल दिए हैं इस पीडीएफ के। देखो बच्चों के लिए देखो ये सब डाला हुआ है, फिर भी बच्चे ना घूमते रहते हैं, सर कहाँ है, कहाँ गया सर नोट्स, कहाँ गया बताओ सर प्लीज बता दो। मैं बोलता हूँ भाई जल्दी जल्दी कर लो नोट वापस, मैं इतने ढूंढता हूँ यार। चलिए आप सभी को दिख रहा होगा होपफुली, तो नहीं सर ये तो आपका दूसरा थ्योरी खुल गया है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की थ्योरी है ये। सर यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग की थ्योरी की मैंने पीडीएफ डाली नहीं डाली, मुझे याद ही नहीं आ रही। चलो एनीवेज जो मैंने आपको थ्योरी के बारे में बताया था आप सभी ने एप्लीकेशन से, उसमें से काफी हद तक थ्योरी आपके ना कवर हो चुका है। अब सर एक बार क्वेश्चन पेपर में जो आया था उसको ओवरव्यू कर दो, हमें तसल्ली मिल जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन पेपर में जो आया था थोड़ा हटके भी थ्योरी था उसको भी पढ़ लेंगे, कॉस्ट अकाउंट क्वेश्चन पेपर। ठीक है चलो आइए सर, कहता है हाउ डज द अकाउंटिंग डिफर फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बताना है आपको, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम सारी चीज को सेपरेटली और अलग अलग डिफाइन करके नहीं दिखाते, कॉस्ट अकाउंटिंग में हर चीज को दिखाते हैं, तो इस तरीके से डिफर्ड है। अगला पॉइंट है व्हाई कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकनसाइल, क्यों होता है, क्योंकि कुछ खर्चे हमारे फाइनेंस अकाउंटिंग में दिखाए जाते हैं और कॉस्ट में नहीं दिखाए जाते, कुछ खर्चे हमारे फाइनेंस में ज्यादा होता है और कॉस्ट में नहीं होता सर, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाया जाता, गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं दिखाया जाता, डिविडेंड इनकम नहीं दिखाया जाता, तो इस सब तरीके से हमें यहाँ करना होता है, उसके रीजन देने थे। इसके बाद स्टैंडर्ड कहता है व्हाट डू यू मीन बाय द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और नीड, क्या होता है कॉस्ट, तो एक कॉस्टिंग को करने के लिए एक बेंच मार्क, एक फॉर्मेट, सारी चीजें सेट करते हैं। जैसे देखो अपन ना अकाउंट्स पढ़ते हैं, तो अकाउंट्स को जो पढ़ते हैं वो किसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस के हिसाब से, या इंडएएस कह लो आप जो नया आ रहा है अब, तो एएस के हिसाब से पढ़ते हैं। सर एएस में क्या गिवन है, एएस में वेरी सिंपल एक ही बात गिवन है कि हम अकाउंट्स को कैसे करें उसके तौर तरीके, तो सेम ऐसे कॉस्टिंग में गिवन है। तो इसका थ्योरी ना मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, एक पेज का थ्योरी है, सिंपल सा है और ये आएगा आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। सर ये तो हमने कर लिया ये वाला क्वेश्चन तो, है ना, रिकंसिलेशन भी बना लिया था याद होगा। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ कंट्रोल वेस्टेज एंड कंट्रोल अकाउंटिंग, आपको बताया था ना कंट्रोल ऑफ वेस्टेज, वेस्टेज को कैसे कंट्रोल करेंगे इन द कॉस्ट अकाउंटिंग। तो वेस्टेज जो भी होता है, वेस्टेज कौन सा होता है, वो जिसे हम बेचते नहीं है, बिल्कुल लास्ट में निकलता है, आप इसे यहाँ पे स्क्रैप कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक तरह से स्क्रैप देखा था हमने, और हमने क्या देखा था, वेस्टेज भी देखा था, स्पॉयलेज भी देखा था। तो वेस्टेज क्या था हमारा, जो कि आपका दोनों हो सकता है, जिसके अंदर विजुअल भी आपको मैं दिखा देता हूँ। सर वेस्टेज कहाँ था सर वेस्टेज बताइए सर, आप गलत बता रहे हैं, वेस्टेज दिखाते हैं। चलो जी वेस्टेज 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 कौन से पेज नंबर पर था, वेस्टेज था ये मटेरियल में, बहुत आगे जाना पड़ेगा, एक तो ये मैंने फर्स्ट टाइम कहीं से डाउनलोड कर लिया, चलाना आ नहीं रहा मुझे।
यही पे गई था वेस्टेज। कहाँ गया भाई वेस्टेज? शायद ऊपर। ओ माय गॉड, शायद दूसरे चैप्टर में। लेवर में हो सकता है ना? पठानी कहाँ पर लिया यार वेस्टेज में? चलिए मटेरियल में होगा फिर, मटेरियल में पक्का ही होगा। भाई देख लीजिएगा वेस्टेज, मैंने पढ़ाया था अभी आपको, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन दिख नहीं रहा, आप क्या करें। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, पीडीएफ पे आ जाते हैं। ठीक है सर, ये वेस्टेज हो गया। इसके बाद व्हाट इज द आइडल टाइम, ये भी पढ़ाया था ना, अभी बताया था ना आइडल टाइम क्या होता है, जिस टाइम पे एम्प्लॉय खाली होते हैं। इसके ना बहुत सारे हैं, जैसे कि इकोनॉमिक रीजन है आपके, मैन्युफैक्चरिंग रीजन है, और भी अलग अलग रीजन हैं जो कि आपको बुक्स में देखने को मिल जाएगा। कॉजेस लीडिंग, क्या कॉजेस है जो मैंने बताए, आपके सामान आ जाएगा लेकिन सामान शॉर्टेज हो गया, लाइट चली गई, ब्रेक डाउन हो गया, मशीनरी खराब हो गया, या एम्प्लॉय को ट्रेनिंग नहीं दे रहे प्रॉपर, तो ये सारे आइडल टाइम के कारण। तो सर देखिए ये भी समझ में आ गया आपको, और वाला भी, मैं सारी थ्योरी की बात करूंगा, आप देखेंगे सारे थ्योरी आपको आ रहा होगा इसमें से। डिस्टिंग्विश बिटवीन एलोकेबल सर, एलोकेबल एंड अपोर्समेंट ऑफ ओवरहेड, ये भी बताया था। एलोकेबल उसी के लिए होता है, अपोर्समेंट रेशियो में बांट दिया जाता है। चलिए सर, चलिए चलिए आगे, और बताइए सर आगे, बताइए आगे आगे और क्या है थ्योरी, कोई रहना जाए रहना जाए। सर्विस कॉस्टिंग एंड आउटपुट कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग क्या होता है सर, जैसे मैंने बताया था ट्रांसपोर्ट कंपनी वगैरह होती है सर्विस। आउटपुट कॉस्टिंग क्या होता है, टोटल हम टोटल कॉस्टिंग निकालते हैं जितना आउटपुट होता है। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको नोट्स में मिल जाएगा। आउटपुट नहीं बताया, माइनस सर्विस बता दिया है आपको, ठीक है। और क्या था सर, खत्म हो गया क्या? जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग बताया था ना, दवाई वाला एग्जांपल लिया था। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कंस्ट्रक्शन के लिए होता है, तो उसके बीच में डिफरेंस। बस खत्म जी सर, खत्म हो गया। देखिए आप पेपर का भी कर सकते हैं इजीली। तो चलिए होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एक इंटीग्रेशन नॉन इंटीग्रेशन है, वैसे एग्जाम में आए नहीं तो इसका थ्योरी एक बार पढ़ लीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली आपको समझ में आया हो, और मैं हेल्प कर चुका हूँ, मैं बहुत सारा मैंने कोशिश किया है कि आपके एग्जाम बहुत अच्छे से जाए, और जाएंगे भी, आपने मेहनत किया है तो। तो हम बात कर रहे थे सर, थ्योरी की बात करें तो 30 से 40 नंबर का हमारा थ्योरी आता है कॉस्टिंग में। कुछ लास्ट ईयर का ट्रेंड देखिए फटाफट से, आपको क्लियर मिल जाएगा। मैं पिछले ट्रेंड के हिसाब से ही बोल रहा हूँ कि कैसे आया हुआ है। ठीक है, मैं छोटा कर लेता हूँ, मैं फिर जब होगा दिखा दूंगा। आप देखिए, सब स्टार्टिंग से लेते हैं, पिछले साल का ये ऑनर्स का पेपर है, 2022 का पेपर है। आप नंबरिंग चेक करिएगा, कोई बच्चा गिनते रहे नंबर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आया 5 नंबर का थ्योरी का, एक क्वेश्चन 10 नंबर का थ्योरी का, और में भी 10 और 5, यानी 15 का तो थ्योरी डन हो गया। लिख लो भाई, इसके कुछ भी प्रैक्टिकल में वो तो नहीं है ना, क्या कहते हैं प्रैक्टिकल, तो पहला क्वेश्चन थ्योरी, 15 नंबर हो गया, लिख लो। अरे 15 नंबर हो गया। अब इसका दूसरा न्यूमेरिकल है, और बी पार्ट में देखो, व्हाट डू यू मीन बाय द लेबर टर्नओवर रेट, 15 और 5 कितना हो गया, 20 का हो गया भाई साहब। चलो बच्चा बोलेगा सर और वाला कर लेंगे, ये थोड़ी ना करने वाले थे हम। और में देखो, ए पार्ट प्रैक्टिकल है और बी पार्ट एक्सप्लेन व्हाट बी द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, कितने हो गए, 20 और 5, 20 ही हो गए वो तो। हाँ
तो ये तो छोड़ सकते नहीं। आ जाइए सवाल नंबर 3 पे। अभी ये वाला 3 कौन सा, अभी तो कराई था ये 3। 3 में बी पार्ट 5 नंबर का देखिए, व्हाट इज द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक्सप्लेन द कंसेप्चुअल, तो कितने हो गए 25, छोड़ दो सकते नहीं इसको। चलिए आ जाइए और वाले में, ए पार्ट और बी पार्ट में एलोकेशन एब्जॉर्प्शन और अपोर्समेंट ओवरहेड क्या होता है, यानी ओवरहेड को बांटना, अपोर्समेंट बोला था मैंने, करेक्ट है तो वो, तो यानी कितने हो गए 25 हो गए चौथे में। चलिए सर चौथा क्वेश्चन हमारा, ये पूरा 15 नंबर का दिया, इसमें थ्योरी नहीं दिया। पांचवे में 15 का लेकिन और के अंदर दे दिया, एक दे दिया ए पार्ट दे दिया इसने कि इंडिकेट द रीजन व्हाई द नेसेसरी ऑफ कॉस्ट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स टू बी रिकनसाइल एक्सप्लेन डिफरेंट बिटवीन और माइट, क्यों रिकनसाइल किया जाता है। तो आप देख पा रहे हो इसमें कम से कम 25 से तो बची नहीं रहे, बाकी 30 का भी हो सकता है। अच्छा सर ये तो पिछले साल की बात है और मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा, ये कोरोना का पेपर है, इसकी तो बात ही नहीं करना, कोविड वाले की बात ही नहीं। उसमें 6 क्वेश्चन आते थे, 5 करने होते थे, ऐसे ही कुछ था ना, 4 करने होते थे 6 में से। हाँ तो इसकी तो बात ही नहीं करते। अब उससे पहले का ट्रेंड देख लेते हैं, उससे पहले भी कोविड में ही गया। ये भी यहां लिख देना चाहिए था, कोविड पेपर कहता है एनी 4, ये भी कोविड का ही है। तो कोविड के टाइम पे क्या था, ओपन बुक था, तो एग्जामिनर बोलते थे जो मर्जी डाल दो बच्चा करता रहेगा, देख के तो करना है। तो इस पेपर को बिल्कुल भी एनालिसिस ना करें आप, कहीं बच्चा सोचे कि 20-21 आया है और 20-21 के जैसा पेपर आ जाए तो मजा आ जाएगा, तो वैसा पेपर नहीं रहेगा। यहाँ ऑल क्वेश्चन ये आ गया 19 का, 19 में भी देखिए 5 नंबर का, गिनते जाइएगा और में आ जाइए अगेन, और के अंदर भी आपको मिल जाएगा 5 का, एक्सप्लेन द लॉस एंड क्या है, 5 नंबर का कंफर्म हो गया। चलिए सर दूसरा क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा, दूसरा क्वेश्चन में ए पार्ट है और बी पार्ट, ए पार्ट थ्योरी है 5 10, और में भी आ जाएगा आपका ए पार्ट रॉ मटेरियल 5 एग्जिस्टिंग टोटल कॉस्ट कुछ 5 5, कौन सा पेपर आ गया ये तीसरा क्वेश्चन, ए पार्ट थ्योरी कितने हो गए 15 और बाकी प्रैक्टिकल है 4th, 4th पूरा 15 का अभी का, और में भी आ गया हमारा एक 5 20, ये पूरा इक्विवेलेंट मेथड वाला और इसके और में पूरा 15 नंबर का। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं करीब करीब 30 नंबर का तो हो ही गया, जो बच्चा प्रैक्टिकल छोड़ेगा 30 का हो ही गया, तो यानी 30 नंबर का मिनिमम थ्योरी है। और सर पास होने के लिए कितना चाहिए 27, वैसे तो 30 तीन चार नंबर चाहिए वो सीबीएस के हिसाब से, वैसे मैं कहूं तो सर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी थ्योरी को इंपॉर्टेंट को समझते हुए मैंने कुछ ना 22-25 क्वेश्चन ना करीब 25 या 30 क्वेश्चन डाले हुए हैं, आप जाएंगे फोल्डर में तो 25 से 30 क्वेश्चन डाले हुए हैं, और आप कोई सा पेपर उठाइएगा मैंने उसी क्वेश्चंस पेपर में से ही बनाए हुए हैं, तो आप देखेंगे कि सर वही सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसके सॉल्यूशन 10 ईयर में है। अब मैं चैप्टर वाइज अगर मैं बात करूं, चलिए आ जाते हैं इंट्रोडक्शन, मैं एक एक करके धीरे धीरे पढ़ाता जाऊंगा आपको, बस थ्योरी सुनना है और याद तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आज की बात सुन के आपका हो जाएगा, याद तो करना पड़ेगा। पहला कहता है व्हाट डू यू मीन बाय द कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या समझते हैं, ऐसा इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, फिर भी कॉस्ट अकाउंटिंग इसके अंदर सीएमए की डेफिनेशन है दे रखा है, आप इसको पढ़ लेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, जो हमारे प्रोडक्ट के कॉस्टिंग वगैरह करे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है ना वो मैं बताता हूँ। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, क्योंकि कॉस्ट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिमिटेशन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिमिटेशन क्या है सर,
सबसे पहले लिमिटेशन है कि हम क्लासिफाई करते हैं फिगर डिफरेंट डिपार्टमेंट प्रोडक्ट प्रोसेस। लिमिटेशन का मतलब पता है क्या? अब ये है कौन, कॉस्ट वाले हैं, और कॉस्ट वाले फाइनेंस अकाउंट को तो गंदा बोलेंगे ही। कॉस्ट वाले बोलते हैं हम भैया सारे डिपार्टमेंट के खर्चे अलग अलग दिखाते हैं, एबीसी, तुम कहाँ दिखाते हो, तुम तो टोटल करते हो। लिमिटेशन जो पहला पॉइंट कहता है, फाइनेंशियल अकाउंट डज नॉट गिव क्लासिफिकेशन फिगर, फाइनेंशियल अकाउंट डज नॉट प्रोवाइड एडुकेट फिगर ऑफ द फ्लेक्सिबल सेलिंग प्राइस। बोलते हैं सेलिंग प्राइस का आपका फिक्सेशन नहीं बताता। सही बात है, फाइनल अकाउंट तो बस बताता है सेल कर दिए 500 करोड़ के। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इट डज नॉट डिस्कस एनी रीजन वेरिएशन ऑफ कॉस्ट। सही बात है, कोई वेरिएशन वगैरह नहीं बताता है। तो ये कुछ फाइनेंशियल अकाउंट के ये 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। डिसएडवांटेजेस, फाइनेंशियल अकाउंट डज नॉट प्रोवाइड एडुकेट इंफॉर्मेशन आउटसाइड आपका एजेंसी लाइक गवर्नमेंट, ट्रेड, ये सब नहीं बताता। डज नॉट सप्लाई एडुकेट, डेटा नहीं सप्लाई करता। तो ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अल्टीमेटली मैंने बता दिया कक्स कि आपको इसके गलतियां बतानी है। फिर से आ गया 2014 में आया लिमिटेशन फाइनेंशियल अकाउंट की बताइए, और इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट के इंपॉर्टेंस एडवांटेज, और क्या आया, एक्सप्लेन द मेन पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंस अकाउंट। तो कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंस अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंस है वो, तो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ सर। इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे कॉस्ट पर यूनिट बताता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पी एंड एल बनाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इंटरेस्ट वगैरह को इग्नोर किया जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ले लिया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में गुडविल राइट ऑफ को नहीं दिखाया जाता, फाइनेंशियल अकाउंट में दिखा दिया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोडक्ट के कॉस्ट के बारे में बताता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये सारी चीजें बना के आपको जो लिखना है तो वो सारी चीजें क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, आप नोट भी कर लीजिएगा। मैं दोबारा से बता देता हूँ भैया, क्वेश्चन नंबर टू इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। वन इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा मैं, थ्री भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे थे बच्चे तो मैं बता देता हूँ, सेट द अकाउंटिंग कॉस्ट नेसेसिटी एक्सपेंसिव लग्जरी, ये भी कई बार, वैसे ये ऑडिट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता था, जो बच्चे छठे सेमेस्टर में होंगे वो तो ऑडिट में पूछेंगे, बाकी ये एक बार पूछा गया, आप बस थ्योरीली रीड कर लेना कि इट सेड दैट कॉस्ट अकाउंटिंग इज अननेसेसरी एक्सपेंसिव लग्जरी एंड हैंस नॉट नीडेड कमेंट। कहा गया कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना अननेसेसरी में किया जा रहा है, फाइनेंस वाले तो कर ही लेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट कर लेंगे, क्यों सीएम में बुलाया गया, ये सिर्फ तुम दिखा रहे हो कि हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं लग्जरी, तो वो सारी चीजें यहाँ पे कराई गई है। मैं बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन बता रहा हूँ, पढ़ना आपका काम है। सर ये कॉस्ट यूनिट कई बार पूछा गया है, कॉस्ट यूनिट को आप कैसे सैम्पलिंग करेंगे, रेडियो किसमें करेंगे, ये किसमें करेंगे। अच्छा मैं थ्योरी के ना कुछ नोट्स भी डाल दूंगा, उसमें से अगर रीड में ये पढ़ लेना, चाहे उस वाले में से जो आसान लगे, क्वेश्चन वही रखना, दोनों में से जो आसान लगे वो पढ़ लेना आप, ठीक है ना। तो ये क्या है, मेजरमेंट, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया। एक्सप्लेन द डिफरेंस कॉस्ट, भाई भर भर के कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। सर कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट क्या होता है ये समझिए। देखो कॉस्ट सेंटर क्या होता है, पर्टिकुलर, जैसे कि एक बोला गया कॉस्ट सेंटर कई बार पूछा गया है, और कॉस्ट यूनिट मान लेते हैं हमारे डिपार्टमेंट ए है, बी है और सी है। अब यहां पे कुछ यूनिट बनते हैं, यहां पे कुछ यूनिट बनते हैं, यहां पे कुछ यूनिट बनते हैं, इसको मिला के मान लेते हैं एक क्लॉथ तैयार हो रहा है, एक शर्ट तैयार होता है, तीनों मिला के ये प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहां पे क्या होता है, कपड़े का काम चल रहा है, यहां पे स्टिचिंग का काम चल रहा है, यहां पैकिंग का काम चल रहा है। तो भैया यहां पे एक यूनिट बनाने में क्या कॉस्ट आ रहा है, यहां पे एक यूनिट बनाने में क्या कॉस्ट आ रहा है, यहां पे, तो दैट इज कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट सेंटर का मतलब तीनों के ऊपर क्या कॉस्ट आ रहा है, दैट इज कॉस्ट सेंटर, मतलब सबको मिला लिया जाए तो क्या बोला जाता है, कॉस्ट सेंटर। कई बार पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट यूनिट कॉस्ट सेंटर, पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार मैक्सिमम टाइम तो पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट सेंटर एंड डिपार्टमेंट, तो कॉस्ट सेंटर एंड डिपार्टमेंट का लिखा हुआ है। देखो मैं पढ़ के ना आपका वक्त खराब नहीं करना चाहता, पढ़ के आप भी समझ जाओगे। हाँ जैसे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो मुझसे पूछ सकते हो, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप प्लीज एक बार समझा दीजिए क्या है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैनेजमेंट, ये कई बार एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो कि एकदम डिफरेंट होता है,
सेंटर और यूनिट वाला, देखो मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो फ्रिक्वेंटली आएगा, बाकी तो इंपॉर्टेंट तो सारे ही थ्योरी है वैसे। चलिए एक क्वेश्चन ये है, और मैंने बताया भी था, एक होता है संक कॉस्ट, ये कुछ डिफरेंट है इसलिए बच्चे पूछते हैं सर इसे समझा तो दो। संक कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट को ही संक कॉस्ट कहते हैं। जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने ये बोर्ड लगाया, फिक्स कॉस्ट है, ये बोर्ड का पैसा कभी मेरे को मिलेगा नहीं। अगर मैंने ये बोर्ड खरीदा है डिजिटल बोर्ड, तो इसका पैसा कभी मिलेगा नहीं, मेरा पैसा डूब गया। ये तो डूबने का मतलब बर्बाद नहीं हुआ, इन द सेंस ये पैसे मेरे रिकवर, एक बार डाले मैंने इसमें पैसे, क्या ये पैसे मेरे वापसी आएंगे? नहीं आएंगे। तो इसी को क्या बोला जाता है? संक कॉस्ट बोला जाता है। सिंपल सा, कई बार पूछा गया एग्जाम में, बच्चा नाम से डर जाता है, सर क्या संक कॉस्ट क्या आ गया ये? हाँ, मेनली बोला गया कि हमारा मिलता नहीं है फिक्स एसेट्स का पैसा। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है दिस इज कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट एंड देयर फॉर संक एंड कैन नॉट बी रिकवर। पास्ट में किया, कैन नॉट बी, दीज आर नॉट रेलेवेंट डिसीजन मेकिंग में, कोई नहीं था। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस परचेज लैंड बिल्डिंग 20,000 रुपए का फॉर द ईयर 88 में, वो संक कॉस्ट हो गया भैया क्योंकि उस पर काम चलेगा। तो मैं सिंपल बता दिया, इंप्यूटेड कॉस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कहता है दिस इज नॉमिनल कॉस्ट, बहुत नेग्लिजियस कॉस्ट होता है जो कोई के हमारा दिया जाता है। संक कॉस्ट बाकी इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच इज इन्वॉल्व कैश आउटले अगेंस्ट द दोज कॉस्ट विच डू नॉट रिक्वायर्ड कैश पेमेंट। एग्जाम्पल मटीरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, बिल्डिंग रेंट, सैलरी आर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, दीज आर कंटेन कॉस्ट विच डू नॉट रिक्वायर्ड कैश पेमेंट। मतलब जिसको आप कैश का पेमेंट बिल्कुल कैश में नहीं देना, जैसे कि मान लेते हैं लेबर कॉस्ट, बिल्डिंग का रेंट, जिसको आप कैश में नहीं दे रहे उसको बोला जाता है। तो इसे पढ़ लेंगे, डिफरेंट कॉस्टिंग अपॉर्चुनिटी। हाँ, एक ये आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इंपॉर्टेंट है सर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, एक ये पूछा जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, एक कॉस्ट के बदले हमें दूसरे कॉस्ट की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, एक कॉस्ट के बदले दूसरे कॉस्ट की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। मतलब मैंने एक कॉस्ट किया और खर्चा किया, और इसलिए खर्चा किया कि मुझे दूसरी जगह से कोई ना कोई बेनिफिट मिल जाए, इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। तो मेरा देखो, मैं अगर सबको पढ़ने लगा तो कम से कम 50 पेज की थ्योरी है, पढ़ के आप भी परेशान हो गए मैं भी। तो मैंने इसलिए क्या करा है, थ्योरी के नोट्स बना दिए हैं, और उन सभी नोट्स के आंसर मैं समझाना चाह रहा हूं बस आपको, उन सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। चलिए देखिए, जैसे कि मैं बता देता हूँ मटेरियल में क्या इंपॉर्टेंट है, लीफो फीफो क्या होता है, बिन कार्ड क्या होता है, स्टोर लेजर क्या होता है, जो थ्योरी में करा चुका हूँ, और एबीसी एनालिसिस क्या है, ये इंपॉर्टेंट किसमें है इसमें सर। आप देखेंगे अगर तो इसके ऊपर ईयर नहीं लिखा तो नहीं आया हुआ। अब जो मैंने थ्योरी बताया आपको, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय द ईओक्यू, तो बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था, जहां पे हमारा दोनों चीजें इक्वल होता है उसको। अब 2013 में आया एबीसी, 12 में भी आया एबीसी एनालिसिस क्या है, बता दिया था कि सस्ता क्वांटिटी लेंगे कम आएगा, जो खराब प्रोडक्ट होता है पैसा कम लगेगा क्वांटिटी ज्यादा आएगा, जिसको तीन कैटेगरी में बांट दिया था। देखो 30-70 मटेरियल वाले थ्योरी के लास्ट वीडियो में मिल जाएगा इसका एक्सप्लेन। हाँ, अब कहता है कि ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसीजर लार्ज साइज कंपनी, ये भी नहीं है। इसके बाद आपका ये है हमारा किसका फॉर्मेट, परचेज रिक्विजिशन नोट, नहीं पूछा जाता, ये भी बहुत रेयर पूछा जाता है हमारा, इसमें से पूछा जाता है बिन कार्ड और व्हाट डू यू मीन बाय दैट बिन कार्ड स्टोर लेजर एक्सप्लेन। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें लिखा नहीं है यार लेकिन कई बार पूछा गया है। ये देखो ये आ गया हमारा डिफरेंस जो कि हमने करा था। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परपेचुअली इन्वेंट्री सिस्टम के एडवांटेज डिसएडवांटेज। इन्वेंट्री के कितने सिस्टम थे, एक था हमारा परपेचुअल, एक था हमारा पीरियोडिक। परपेचुअल में क्या था, जिस दिन सामान आएगा उसी दिन रिकॉर्ड करेंगे। पीरियोडिक में क्या था, थोड़े समय का इकट्ठा हो जाएगा तब हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ये लीफो फीफो के अंदर से थ्योरी है। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि अगर प्रैक्टिकल है तो आप कनेक्ट कर पाएंगे और जल्दी याद कर पाएंगे। एडवांटेज परपेचुअल सिस्टम के क्या एडवांटेज है, परपेचुअल में मतलब मिस्टेक चांसेस कम होते हैं। लीफो फीफो क्या है, मटेरियल में सर इससे ज्यादा कुछ नहीं है, सेकंड चैप्टर। लेबर में क्या आता है, लेबर टर्नओवर क्या होता है बताओ,
ऐसे पूछेंगे। आइडियल टाइम क्या है, मैं हर क्वेश्चन के बोल रहा हूं ये आप ध्यान रखना, आइडियल टाइम क्या है, लेबर टर्नओवर क्या है, वेस्टेज टाइम क्या है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो देखो यहां पे जो क्वेश्चंस है वेरियस डिपार्टमेंट ये सब नहीं आएगा भाई पेपर में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लेबर टर्नओवर, हाउ द आपका मेजरमेंट लेबर टर्नओवर क्या है, या फिर मैं एक काम करता हूं ना, मेरे पास नए वाला टेनियर है ना कहां गया, और मैं ये मान के चलता हूं सभी बच्चे के पास नए वाला टेनियर भी होगा, मैं मान रहा हूं। तो एक काम मैं करता हूं, इसमें से जिस जिस पेज नंबर पे इंपॉर्टेंट है थ्योरी के वो लिख के मैं भेज दूंगा, क्वेश्चन नंबर भेज दूंगा, पेज नंबर भेज दूंगा, आप मैच कर लोगे, पढ़ना आपका काम है। उसमें से जो समझ में नहीं आएगा मुझसे पूछोगे, मैं बता दूंगा। फिर भी कुछ एक नोट्स मैं बनाऊंगा जिसमें से एग्जाम से एक दिन पहले या दो दिन पहले, वैसे तो 4-5 दिन है, एक दिन या दो दिन पहले मैं क्या करूंगा, उस 10 या 12 थ्योरी जो मुझे हाईली इंपॉर्टेंट लगेंगे मैं एक बार समझा दूंगा, ताकि एग्जाम में अगर आया तो आप लिख पाओ। हाईली इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, ऐसा नहीं कुछ बच्चे सोचते हैं इसी 10 में से आएगा, 10 ही कर लो बाकी छोड़ दो, ठीक है। बस मुझे जो हाईली इंपॉर्टेंट लगेंगे उसकी हम बात करेंगे। तो थ्योरी कैसे पढ़ना है मैं इन सभी के नोट्स दे दूंगा, ओवरहेड के अंदर से बहुत थ्योरी पूछा जाता है, तो ये सारे थ्योरी मैं एक बार दिखा भी देता हूँ साहब, कैसे आपको मिलेगा, वैसे ऑलरेडी दे रखा है लेकिन फिर भी बच्चे पूछ रहे हैं। और आज कुछ वेबसाइट में एरर आया तो मैंने दूसरा वेबसाइट भेज दिया आपको, वहां से इजीली मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि कुकीज वगैरह होते हैं उसके अंदर कैच फाइल होते हैं, उसको डिलीट करिएगा तो मिल जाएगा आपको। हाँ, क्योंकि बार बार जब हम खोलते हैं ना तो टैब ओपन होता रहता है, आप जब जाके देखोगे ना टैब पे पता चलेगा 200 टैब आपने ओपन कर रखा है। भाई साहब कहाँ है कॉस्ट, कॉस्ट कॉस्ट है ही नहीं, कॉस्ट होना तो चाहिए ऊपर, बताओ। ये रहा, देखिए थ्योरी की बात कर रहे थे, आपको लास्ट ईयर वाले रिकॉर्डेड में जाने हैं और मैंने पीडीएफ नोट डाला हुआ था, और यहां रेगुलर का पेपर तो अभी मैंने दिखाई दिया। और ये सारे थ्योरी मैंने स्क्रीनशॉट पे रिकॉर्ड करके किया था, यही थ्योरी है शायद, देख ले, हैंड रिटन नोट में था। हाँ इस थ्योरी में जितने भी थ्योरी ना इसके क्वेश्चन आपको ढूंढने पड़ेंगे, आंसर आंसर सारे टेनियर में है, और नीचे मैंने शायद कुछ के आंसर भी दे दिए हैं, सबके नहीं दिए मैंने, कुछ के दिए हैं। जितने थ्योरी लिखे हैं ना इन्हीं थ्योरी में से एग्जाम में पूछे जाएंगे, और नंबर ऑफ थ्योरी अगर मैं बताऊं तो कितने थ्योरी है साहब, 11 थ्योरी, लेकिन 11 मत समझिएगा इसे, इसके अंदर काफी सारे पॉइंट्स हैं। अभी इस पे तो क्लियर दिख नहीं रहा होगा मेरे ख्याल आपको, आपको ये थ्योरी क्लियर दिख नहीं रहा होगा, ठीक है ना। तो ये सारा थ्योरी, और इस थ्योरी को मैंने ऑलरेडी समझा भी रखा है जब खाली टाइम मिले। अब इसके आंसर की बात करें तो क्या आंसर डाला था मैंने, हैंड रिटन नहीं डाला था आंसर में तो, हाँ मैंने इसके कहीं कहीं से आंसर जैसे भी मिला था कट करके बुक वगैरह से डाल दिया था, लेकिन आप प्लीज इसको ना करें, आंसर आपके पास 10 ईयर है, हार्ड कॉपी से पढ़ें, इसको याद ना करें, मैंने वो पूरा 10 ईयर ही थ्योरी स्कैन करके डाला था, बच्चे पूछ रहे थे। तो अब रही बात सर ये थ्योरी एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन के अंदर जब जाएंगे ना तो मैंने ये हर एक चैप्टर को अल्टरनेटिव है, पहले मैं 12th को पढ़ाता था मुझे अपॉर्चुनिटी, तो ये पूरा मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ जो मैं बोल रहा था, समझ रहे हो ना। काफी बच्चे परेशान हो रहे हैं तो यहाँ से थ्योरी आप पढ़ सकते हैं, वीडियो है ओल्ड लेक्चर में, मैं इसे मूव करवा दूंगा, ओल्ड लेक्चर में जाके पढ़ लेंगे, जो बच्चे लाइव में वो तो देख ही रहे हैं, रिकॉर्डेड वाला रिकॉर्डेड देख लेंगे। तो ओवरऑल थ्योरी के अंदर बात करें तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है, करके जाना है, 30 नंबर तक का आएगा, और जो मैंने 10-11 थ्योरी दिए हैं उसी में से रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ अब देखो कल जो मेरा, अब देखो मैं अपनी तरफ से क्या पेंडिंग, और कल जो मैं प्लान कर रहा हूं या परसों वाले क्लास के अंदर जो मैं प्लान कर रहा हूं, एक एबीसी की पूरी थ्योरी करा देना, एक एबीसी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा देना, बाकी प्रैक्टिकल नहीं आता, एक जो जर्नल एंट्री वाला लास्ट है कॉस्ट कंट्रोल फाइनेंस इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड वो बता देना, दो ये पॉइंट बताना, साथ के साथ ओवरहेड के अंदर मैंने कंट्रोल एब्जॉर्प्शन रेट
पुरानी वाली वीडियो देख लो, डाला हुआ है, सही डाला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, उसके अंदर टाइम लगाऊंगा मैं, दोबारा वही चीज बताऊंगा, इससे अच्छा आप कर सकते हो, वो रेट कर लेना। इसके साथ साथ जो मेरे मन में है वो मैं बताना चाहता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस भी करवा दिया जाए, जैसे कि कई बार क्वेश्चन पेपर आता है तो उसके लिए प्रॉपर टाइम नहीं है, मैं जैसे जैसे वक्त मिलेगा मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, चाहे नॉर्मल यहाँ पे कर लूँ, चाहे नॉर्मल मेरा व्हाइट बोर्ड पे हो जाए रिकॉर्डिंग, तो उस पर मैं डिस्कस कर लिया करूंगा। रिविजन में कॉस्ट शीट पूरा खत्म हो गया, रिविजन में हमने सिंगल आउटपुट खत्म करा, काफी सारे पॉइंट्स कर लिए। अब मैं जो रिविजन स्टार्ट करवाऊंगा, मेरे हिसाब से मटेरियल की जरूरत नहीं है, रिविजन में प्रोसेस का करवाऊंगा, प्रोसेस में भी इक्विवेलेंट मेथड का मैं एक रिवीजन करा दूंगा जिसमें ज्यादातर बच्चों को जरूरत है, जो मुझे लगता है। इसके बाद एक मैं सीआरएस का रिवीजन करवा दूंगा, कॉस्ट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का रिवीजन करा दूंगा, और किसका करा सकते हैं रिवीजन हम, ओवरहेड तो अभी अभी हुआ है, इसमें क्या रिवीजन करवाना, और कॉन्ट्रैक्ट में मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ कॉन्ट्रैक्ट के एक क्वेश्चन मुझे कराना है, एक बच्चे ने डाउट पूछा था जिसके अंदर के अनसर्टिफाइड निकाला जाता है, वर्क अनसर्टिफाइड, वैसे वर्क सर्टिफाइड दे रखा होता है, अनसर्टिफाइड कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। हाँ, बिल्कुल। मैं तो आपको ना कल एक रिकॉर्डिंग मेरी कोशिश रहेगी कॉर्पोरेट अकाउंट वाले बच्चों के लिए, मैं क्या करने वाला हूँ कल, तो मैं एग्जाम वाले क्वेश्चंस कराऊंगा उनको भी, जनरल एंट्री पहले वही करा देते हैं। कल मैं 2 घंटे उनको देता हूँ, 2 घंटे आपको देता हूँ, ठीक है ना? तो कल आपका रिकॉर्ड हो जाएगा इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड लेजर, ये वाला मैं पार्ट कल डेफिनेटली रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। मैं लाइव आ जाऊंगा, जिन बच्चे जो बच्चे लाइव होंगे अवेलेबल लाइव में आ जाइएगा, जो नहीं होंगे, और आप बिल्कुल परेशान मत होना, आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। आज 10 तारीख है, 11, 12, 13, 14, 15, 15 को तो एग्जाम है, 4 दिन बचे हैं, 4 दिन में आप अच्छे से रिवाइज करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, जो चैप्टर कर रखा है, किन किन चैप्टरों पे ज्यादा ध्यान देना है वो भी मैं बता देता हूँ सर, किन किन चैप्टरों पे ज्यादा ध्यान देना है। नंबर वन, अगर कॉस्ट शीट की बात करें, या फिर मैं टॉपिक वाइज वैसे ही बोल देता हूँ, कॉस्ट शीट में बात करें जिसमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ता है, अगर हम मटेरियल की बात करें तो मैक्सिमम मिनिमम वाला पार्ट, और लीफो फीफो के अंदर शॉर्टेज वाला पार्ट, लेबर की बात करें वो तो टर्नओवर रेट है, खैर ओवरहेड की बात करें तो मशीन आवर रेट, अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का तो कॉन्ट्रैक्ट एस्टिमेटेड वाले चांसेस कम है आने के, नॉर्मल वाले कॉन्ट्रैक्ट वाले आप करेंगे जिसके अंदर 2 से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनता है। प्रोसेस में बात करें तो जिसके अंदर सारा एबनॉर्मल नॉर्मल गेन लॉस वाला होता है, और साथ के साथ इक्विवेलेंट मेथड, ऑपरेटिंग कॉस्ट करा ही रखा है आपको, ऑपरेटिंग कॉस्ट में से कुछ भी आ सकता है आपका। इसके बाद और कौन सा चैप्टर रह गया सर, और कौन सा रह गया, बस यही चैप्टर ही है आपके। हाँ तो एक जो जनरल एंट्री है वो मैं कल करा दूंगा, ओवरहेड करवा दो, ओवरहेड रिवीजन की बात कर रहे हो तो मैं करा दूंगा। एक रह गया बच्चे का डाउट, एक किसी ने बोला था सर मैंने क्वेश्चन भेजा था उसका, फिर मैं रात में ही लूंगा, अभी तक जितने बच्चों के डाउट होंगे। अब मैं एक बच्चों से ये भी बोलना चाहूंगा, डाउट के लिए ना बच्चे किसी भी नंबर पे, कोई सा जो प्रोसेस है उस नंबर पे जाइए, मैं 12, 12:30 बजे तक जैसे अब जाऊंगा थोड़ा रेस्ट करके, फिर मैं सारे डाउट व्हाट्सएप के देख के फिर रिप्लाई करना चालू करूंगा। ओवरहेड अभी कराया तो है, इसमें क्या करवाना है और? यस संध्या, चलो मशीन आवर रेट एक बार रिवीजन में ले लेंगे। पुरानी वीडियो नहीं, ओवरहेड अभी करवाया लेटेस्ट, पुराना तो कुछ रखा ही नहीं। अक्षत आप जाके देखो, अभी करवाया लेटेस्ट, न्यू क्वेश्चन के प्रैक्टिस क्वेश्चन में डाल दूंगा। कल का क्लास का टाइमिंग अभी बोल के मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, कल का क्लास का टाइमिंग कुछ नहीं है, जैसे मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं 12 बजे के बाद खुद ही रिकॉर्ड करूंगा, मैं कॉर्पोरेट का भी रिकॉर्ड करना है आपका, पहले कॉर्पोरेट का रिकॉर्ड कर लूंगा फिर शाम को आपका करूंगा। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दो,
चलिए कल मैं ये भी बता दूंगा किस चैप्टर में से फ्रिक्वेंटली कितने नंबर का पूछा जाता है। मेरे पास टेनियर है अवेलेबल अभी, और मैं टेनियर में एक बार देख के बता दूंगा। ठीक है, ओवर एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन, कॉस्ट कंट्रोल बारे में जाके देखिए, करवा रखा है। ओवर एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन अगर खुला हुआ है तो मैं बता दूं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। नहीं, मैं डलवाता हूँ आज, है नहीं इसमें, शायद यहाँ से मूव हो गया। चलो मैं दूसरे फोल्डर में से डलवाता हूँ। इसकी तो चार ही क्लास हुई थी, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, बड़ी बड़ी क्लास है ना इसमें। हाँ एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लास है। ठीक है, ये पुरानी क्लास है। चलो मैं ओवरहेड पे थोड़ा और काम करके कराऊँ आप। जॉब बैच कॉस्टिंग करवा दिया था मैंने। आप देखिए लाइव क्लास में जाएंगे ना, लाइव में आपको सिंपल बताता हूँ, आप कंटेंट पे मत ढूंढिए। जैसे कॉस्ट शीट, सिंगल आउटपुट, जॉब बैच कॉस्टिंग, देखिए 2 घंटे 52 मिनट की क्लास ली थी मैंने, और इसके अंदर मैंने सारा करवाया था। जॉब बैच ये तो चल रहा है सिंगल यूनिट। आप कहाँ गया, ये देखिए ये बैच कॉस्टिंग है, तो मैंने सारा सारा कराया था। तो आप समझिए बातों को और परेशान मत होइए बिल्कुल भी। आप सीधा लाइव में जाइए, लाइव के अंदर आपको मिल जाएगा जो मैंने लास्ट क्लास लिया हुआ था, ये देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है। अभी वाली क्लास भी अपलोड यहीं पे ही हो जाएगा थोड़ी देर बाद, और सुबह जाके कंटेंट में अपलोड हो जाता है ये। ठीक है, चलिए ठीक है। सर ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन वाला एस्टिमेटेड किसमें है? इसी 3 घंटे वाली क्लास में एस्टिमेशन कैसे निकाला जाता है ये बताया था। एक बार आप इस वीडियो को देखिएगा, शॉर्ट्स में ओवरव्यू दे देना। ठीक है, जॉब कॉस्टिंग में क्या सर? वैसे सर फिनिश करवा दो। अंडर ऑब्जेक्शन, अक्षत का दोबारा वही क्वेश्चन आ गया। फ्यू सर कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन के क्वेश्चंस करवा दीजिए, 10 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के 10 ईयर के क्वेश्चन शायद मैंने डाले हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के तो डले हुए हैं, आप बोल रहे हो करवा दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के 10 ईयर के मिल जाएंगे आपको। देखो सबसे पहली मैं बात करूं तो ये चार्ट दिया था ना आपको, इस चार्ट को एक बार जरूर यूज करो। देखो मैंने डाला हुआ है फिर भी आप सब ना यूज नहीं करते इसको। देखो अब आप कॉन्ट्रैक्ट में बोल रहे हो ना, कॉन्ट्रैक्ट में देखो 10 ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। किस क्लास में मिलेंगे आपको, ये भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन में देखो गिवन है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में चले जाओगे और मिल जाएगा। तो ये चार्ट प्लीज मैं आप सभी के लिए मैंने बनाया है, परेशान मत हो। या तो फोटो कॉपी करवा लो, इसका प्रिंट आउट निकलवा दो, ज्यादा टाइम थोड़ी ना लगना है, ज्यादा से ज्यादा 3-4 पेजेस है। लेकिन एक आपके पास वो तो जाएगा क्या क्या टॉपिक्स कर लिए हैं और क्या क्या टॉपिक्स बचे हैं। ठीक है ना, राहुल गिरिधर प्लीज सर ओवरशॉट। हाँ बिल्कुल शॉर्ट में मैं बता दूंगा इसको, कल के बाद ही प्लान हो पाएगा इसका। हाँ कल कॉर्पोरेट की क्लास शाम वाली तो है, उसके अंदर शाम वाली क्लास में सिंकिंग फंड खत्म करेंगे। 2 घंटे के टाइम में 2 सवाल करना है, और दिन में जो क्लास लूंगा उसके अंदर मैं पेपर सॉल्व करवाऊंगा। और कल वाली क्लास में मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने के हैं, वो मैं करवाऊंगा। और कुछ बच्चों को कह रहा हूं कि फोन करने का नहीं, आपको व्हाट्सअप करना है, सिर्फ जो नंबर दिया हुआ है उसी पे जाना है। ठीक है, चलिए मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूं। कह रहा है सर 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है। भाई आज ही तो कराया है कुछ क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के, आप क्वेश्चन भेजिएगा मुझे।
आप क्वेश्चन भेजिएगा और व्हाट्सअप करिएगा जो नंबर दे रखा है, पता है ना कौन सा नंबर दे रखा है, आपके वहां पे इमेज होगा। चलिए गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।